हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को नीट क्रैश कोर्स में किंगडम एनिमेलिया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। पूरा का पूरा चैप्टर में एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, मैं पूरा का पूरा किंगडम एनिमेलिया चैप्टर जिसमें इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स मतलब कॉर्डेट, ये दोनों को दोनों पूरा पढ़ाऊंगा और उसके साथ उसके आखिरी में लास्ट में 50 एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर की नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन करूंगा बाय यूजिंग ग्राफिक टेबलेट, और पूरा का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में आपको किंगडम एनिमेलिया यहां पे मिल जाएगा। याद रखिए, नीट में नीट एग्जामिनेशन में किंगडम एनिमेलिया 2 to 3 एमसीक्यू आ सकते हैं। ये काफी वैल्यूएबल चैप्टर होता है। अगर आपको ये पूरा पूरा चैप्टर देखना है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आती रहे। यस, तो इस चैप्टर में मैं अभी इसके बाद जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एनिमल इनटू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड देन वी विल डिस्कस इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड एट द एंड वी विल डिस्कस एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो जस्ट बी स्टे ट्यून, पूरे के पूरे हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे और पूरे के पूरे 3 एमसीक्यू के जो आंसर है वो ग्रेस्प कर ले इजिली। 12 मार्क्स होते हैं 3 एमसीक्यू के नीट एग्जामिनेशन में, आप इजीली क्रैक कर सकते हो नीट एग्जामिनेशन अगर आप परफेक्टली स्टडी करते हो तो। इस वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यू यहां से लेके एंड तक कंटिन्यू बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू द किंगडम एनिमेलिया चैप्टर। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन? सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था, आर एच विटेकर साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटी और फिफ्थ वन था किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। All the members of kingdom animalia are eukaryotic, heterotrophic and multicellular organism. इनमें nucleus proper होता है, mature होता है, इसके लिए वो eukaryotic है। ये multicellular है, animalia में almost unicellular organism नहीं होते, ठीक है? और ये सब heterotrophic है, means depends on plant for their food material. This member may have pumping organ like a heart, may have excretory organ like a kidneys, may have a functional organ like a stomach, intestine, liver, etc. बहुत सारी बातें किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, there are basically two main type of animals and these animals types are, first one is invertebrates and second one is vertebrates. Invertebrates means non-chordates and vertebrates means chordates. ठीक है, invertebrates also known as non-chordates, मतलब क्या होता है? देखिए, invertebrates वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको पीछे वर्टेबल कॉलम नहीं होता है। ठीक है, जिनको पीछे वर्टेबल कॉलम नहीं होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसके लिए उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन जिनके अंदर वर्टेबल कॉलम होता है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और या तो आप कहो कॉर्डेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट या तो आप कहो कॉर्डेट्स। नाउ बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स हैव 30 फाइलम, इनवर्टिब्रेट्स हैव 30 फाइलम एंड दिस 30 फाइलम आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। Yes, 20 are minor phylum and 10 are major phylum. ठीक है, मतलब invertebrates में total कितने phylum आते हैं? तो total phylum आते हैं 30 phylum. उनमें से 20 minor phylum आते हैं जो हम 11th standard में study नहीं करते हैं, उनको BSc MSc level में study किया जाता है, तो हम उनको study नहीं करने वाले, हम सिर्फ 10 major phylum को study करने वाले। और वर्टिब्रेट्स में फाइलम जो होता है उसे हम बेसिकली सुपर क्लास में कंसिडर करते हैं। तो सुपर क्लास दो क्लास होते हैं, एक सुपर क्लास है
पाइसेस मतलब फिशेस, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स लेग, मतलब चार पैर वाले जो एनिमल होते हैं उनको हम टेट्रापोडा में कंसिडर करते हैं, और फिशेस को हम पाइसेस में इंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 10 मेजर फाइलम है वो कौन से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होता है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, सबसे पहला फाइलम फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम फाइलम नाइडेरिया, यस नाइडेरिया इज द सेकंड वन, देन थर्ड वन इज टीनोफोरा, यस थर्ड वन इज टीनोफोरा, ये काफी छोटा सा फाइलम होता है टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिंस, प्लेटी हेलमिंस फिफ्थ वन आता है, फिफ्थ वन आता है एस्केलमिंस, आई डोंट नो आपको व्हाइट बोर्ड कहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है यहां तक दिखाई दे रहा है, तो अब आप समझ लीजिए मैं यहां पे भी माइनर फाइलम ही लिख रहा हूं, यस अब कंसीडर कर लीजिए सिक्स्थ वन, यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके सिक्स्थ वन देखिए एनिलिडा, एनिलिडा, सेवंथ वन इज अर्थ्रोपोडा, एट्थ वन इज मॉलस्का, नाइन्थ वन इज यू कैन से इकाइनो डर्मेटा, एंड टेंथ वन इज हेमिकोर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गए 10 मेजर फाइलम। मैंने आपसे पहले ही कहा इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म में टोटल फाइलम होते हैं 30, 30 में से 20 जो होते हैं माइनर फाइलम, उनको हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो 10 मेजर फाइलम होते हैं वो होते हैं फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम इकाइनोडर्म, सॉरी फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथ, फाइलम एस्केलमिंथ्स, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मॉलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा, यस। अब सुपर क्लास जो होते हैं पाइसेस और टेट्रापोडा, तो पाइसेस में दो क्लास आते हैं, क्लास कोंड्रीचिट्स एंड क्लास ऑस्टियोचिट्स। अब कोंड्रीचिट्स का मतलब होता है जो फिश, जिन फिशेस में कार्टिलेज होता है उन फिशेस को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और साइंटिफिक नेम इज कोंड्रीचिट्स, और जिन फिशेस में स्केलेटन होता है मतलब बोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोचिट्स, बिकॉज स्टडी ऑफ अ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अब ये जो टेट्रापोडा है इसके अंदर चार क्लासेस आते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकंड वन इज एओस, एम्फीबिया मतलब जो पानी में और जमीन पे दोनों में रह सकते हैं वो, एओस मतलब बर्ड्स, और फिर रेप्टिलिया मतलब क्राउलिंग एनिमल जैसे स्नेक, और फिर मैमेलिया मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्लीट किंगडम एनिमल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को ये याद ही नहीं रहते हैं। यस पोरीफेरा, मैं आपको देखो पीछे होके भी मैं आपको बता रहा हूं, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, एनिलिडा, एनिलिडा हो गया, अर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, हेमिकोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, ये टोटल जो 10 है ये 10 है मेजर 10 फाइलम। और ये है सुपर क्लास में फर्स्ट वन पाइसेस मतलब फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, कोंड्रीचिट्स, बोनी फिशेस, ऑस्टियोचिट्स, और फिर क्लास एम्फीबिया, क्लास एओस, क्लास रेप्टिलिया, क्लास मैमेलिया। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का क्लासिफिकेशन है।
अगर आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, और आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हैं तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जब हम क्राइटेरिया एक्सप्लेन करते हैं, जब हम उनके फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, तो फीचर एक्सप्लेन करने के लिए हमें एनिमल के क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया पता होने चाहिए। सो ऑल द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, आइदर इनवर्टिब्रेट्स मीन्स नॉन कॉर्डेट्स और आइदर वर्टिब्रेट मीन्स कॉर्डेट, बट बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। सो आई विल टेल यू देयर आर सिक्स मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एनिमल। सो सबसे पहले हम उन क्राइटेरिया के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, फिर बॉडी प्लेन, फिर बॉडी सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी, फिर सेगमेंटेशन, और सिक्स्थ लास्ट वन होता है बॉडी सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज बॉडी प्लेन, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले होता है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। सो आई टेल यू, रिमेंबर जस्ट दिस इज ओवम, करेक्ट, दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म। सो व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, दिस बिकम्स जाइगोट, एंड आफ्टर नाइन मंथ प्रेगनेंसी इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेबी, इजंट इट। तो जाइगोट में से 9 मंथ के बाद बेबी फॉर्म होगा, लेकिन इस प्रेगनेंसी पीरियड में हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, जैसे हमारी स्किन है, हमारी आईज है, हमारे हार्ट है, हमारी लिवर है, हमारी ब्रेन है, तो ऐसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, तब हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होते हैं, तब हमारी बॉडी में जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जर्म लेयर्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, तो अगर किसी एनिमल के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो हम उस एनिमल को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, और अगर किसी एनिमल के अंदर 3 लेयर हैं, ये वाली हुई एंडोडर्म, ये वाली हुई मेसोडर्म और ये वाली हुई एक्टोडर्म, तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल। क्लियर होगा आप लोगों के सामने। अगर नंबर ऑफ जर्म लेयर्स को हम 10 मिनट भी डिस्क्राइब करें तो भी उसका मतलब यही निकलेगा। अगर एनिमल के बॉडी में 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और अगर किसी के अंदर 2 ही लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज अ बॉडी प्लेन। नाउ देर आर 2 टाइप ऑफ अ बॉडी प्लेन। फर्स्ट इज ट्यूब बॉडी प्लेन, एंड सेकंड वन इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। सी, जिसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक फूड को एंटर करने के लिए, मतलब जिसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक होता है माउथ और एक होता है एनस,
माउथ फॉर टेकिंग अ फूड इन दी माउथ क्यों होता है टू पुट फूड इनसाइड एंड एनस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल. मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो जो खाना मुंह से खाते हैं और वेस्ट मटेरियल एनस से बाहर निकालते हैं उनको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन. लेकिन जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, मतलब जो जहां से खाना खाते हैं वहीं से अगर वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, कुछ एनिमल होते हैं ऐसे, ठीक है. एनिमल में ऑलमोस्ट 12 लाख स्पीसीज ऐसे हैं, 1.2 मिलियन एनिमल है, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सभी एनिमल के बारे में. तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, वो माउथ के जैसे भी काम करती है और वो एनस के जैसे भी काम करती है. माउथ के जैसे काम करती है मतलब वो खाना खाने के लिए भी होती है, और एनस के जैसे काम करती है मतलब वेस्ट मटेरियल भी वहीं से निकलता है, तो उसे हम कहते हैं ट्यूब. उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. द एनिमल दोज़ हु पजेस टू ओपनिंग, वन एज अ माउथ फॉर इंजेशन एंड अनदर एज अ एनस फॉर इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड व्हेन एन एनिमल हैव ओनली वन ओपनिंग व्हिच एक्ट एज अ माउथ as well as anus both, it is called blind sac body plan, also known as an incomplete digestive system. So this is a second number criteria for classification of animal. Third one, body symmetry. There are three types of symmetry: bilateral symmetrical, radial symmetrical and asymmetrical. Yes, just imagine that this is one animal. Yes, आप ऐसे imagine करो, ये एक animal है, ठीक है, और ये भी एक animal है और ये एक एनिमल है. ये तीन एनिमल है हमारे सामने. बायलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स व्हेन यू कट एनी एनिमल इन वर्टिकल सेक्शन, जब आप किसी एनिमल को सिर्फ वर्टिकल सेक्शन में कट करते हो और अगर उसके बॉडी के इक्वल पार्ट्स होते हैं तब उसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल. व्हेन यू कट एनी एनिमल इन ओनली वर्टिकल सेक्शन, जब अगर आप कोई एनिमल को ऊपर से नीचे तरफ एक ही डायरेक्शन में कट करते हो और अगर उस एनिमल के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं तब हम उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल. लेकिन जब आप किसी एनिमल को वर्टिकल सेक्शन में कट करते हो या तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में करते हो या तो ऐसे वर्टिको हॉरिजॉन्टल में कट करते हो या तो हॉरिजो वर्टिकल में कट करते हो, अगर आपको इक्वल पार्ट्स मिलते हैं तब हम उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री. लेकिन अगर आप कोई एनिमल को वर्टिकल सेक्शन में कट करते हो या तो हॉरिजॉन्टल में करते हो या तो वर्टिको हॉरिजॉन्टल में या तो हॉरिजो वर्टिकल में, लेकिन आपको एक भी इक्वल पार्ट्स नहीं मिलता है, तब हम उसे कहते हैं असिमेट्रिकल. व्हेन यू कट एनी एनिमल इन अ वर्टिकल सेक्शन एंड इफ यू गेट इक्वल पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल. एंड इफ यू कट एनी एनिमल इन अ वर्टिकल सेक्शन और आइदर हॉरिजॉन्टल सेक्शन और आइदर वर्टिको हॉरिजॉन्टल और आइदर हॉरिजो वर्टिकल देन इफ यू गेट इक्वल पार्ट्स इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल. एंड जैसे आप स्टार फिश को कट करते हो कोई भी डायरेक्शन में तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कॉकरोच को, ह्यूमन को, फिशेस को, मंकी को, डॉग को कट करते हो तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. तो हम सब बायलेटरल में आते हैं, स्टार फिश रेडियल में आती है. असिमेट्रिकल मतलब जैसे स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं असिमेट्रिकल, इनको आप कौन सी भी डायरेक्शन में कट कर लो ये इक्वल पार्ट्स होने ही नहीं वाले. अगर इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल. यस, तो ये वाले हो गए तीन क्राइटेरिया. अब हम फोर्थ क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं. यहां पर यस, बॉडी कैविटी ऑल्सो कॉल्ड सिलो. यस, अब क्या होता है, मतलब सी हमारे बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ये जरूरी नहीं सबके अंदर हो. अगर बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में कुछ गैप है और इस गैप में हम ब्लड स्टोर करते हैं और प्लस फूड मटेरियल स्टोर करते हैं तब हम उसे कहते हैं बॉडी कैविटी या तो सिलोम.
बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज अ सीलम. व्हाट डज इट मीन? व्हेन बिटवीन अवर बॉडी वॉल एंड इंटेस्टाइन इफ देर इज अ गैप इज अवेलेबल एंड इफ दैट गैप इज फिल्ड बाय ब्लड एंड फूड मटेरियल देन सच कैविटी इज कॉल्ड बॉडी कैविटी ऑल्सो नोन एज अ सीलम. देर आर थ्री टाइप ऑफ सीलम. फर्स्ट मीन्स देर आर थ्री टाइप ऑफ एनिमल सच एज अ यू कैन से सीलोमेट एनिमल. यस देन असीलोमेट एनिमल एंड थर्ड वन इज सुडो सीलोमेट एनिमल. अब आप इसका मतलब क्लियरली समझ गए होंगे. सीलोमेट एनिमल मीन्स जिसके अंदर एम्प्टी कैविटी होती है. यस और वो ब्लड स्टोर भी करते हैं और फूड स्टोर भी करते हैं तब उसे हम कहते हैं सीलोमेट एनिमल. असीलोमेट एनिमल मतलब जिनके अंदर एम्प्टी कैविटी है ही नहीं, ब्लड और फूड स्टोरेज करने की एम्प्टी कैविटी नहीं है तब उसे हम कहते हैं असीलोमेट एनिमल. लेकिन सुडो सीलोमेट का मतलब क्या? मान लो ये मेरे पास मार्कर है लेकिन अगर मैं इसमें इंक डाल रहा हूं फिर भी ये लिख नहीं पाता है तो ये मार्कर क्या होगा? ये मार्कर हो गया सुडो मार्कर, मतलब फॉल्स मार्कर. इट इज अ मार्कर बट इट इज यूजलेस. ये मार्कर है लेकिन कुछ काम का ही नहीं है तो ये फॉल्स मार्कर हो गया सुडो मार्कर. सेम वे सुडो सीलोमेट का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जिनके अंदर एम्प्टी कैविटी है लेकिन वो ब्लड स्टोरेज के लिए भी नहीं है ना तो फूड स्टोरेज के लिए, तो एम्प्टी कैविटी का कोई यूज ही नहीं है, फॉल्स है ना, फॉल्टी कैविटी है वो, तो इसे हम कहेंगे सुडो सीलोमेट. व्हेन अ एनिमल कंटेन ट्रू कैविटी और सीलोम और एम्प्टी बॉडी कैविटी दे आर कॉल्ड सीलोमेट एनिमल. एंड व्हेन एनिमल डू नॉट हैव एम्प्टी कैविटी दे आर कॉल्ड असीलोमेट एनिमल. एंड देन इफ अ एनिमल हैव अ एम्प्टी कैविटी बट दे आर नॉट यूजिंग फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड नाइदर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड देन इट इज कॉल्ड सुडो सीलोमेट. दीज आर द थ्री डिफरेंट क्राइटेरिया. यस ये तीन उनके क्राइटेरिया हो गए, मतलब सब टाइप हो गए बॉडी कैविटी के, बॉडी सीलम के. नाउ कम टू द फिफ्थ क्राइटेरिया, बॉडी सेगमेंटेशन. आपने ऑलमोस्ट ये सब एनिमल डिस्कस किए होंगे जिनके अंदर बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं. इन अवर बॉडी वी हैव थ्री पार्ट्स लाइक हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. बट अर्थवर्म इज अ टाइप ऑफ एनिमल विच बिलोंग्स टू द एनिलिड ऑफ फाइलम विच हैव अ बॉडी सेगमेंटेशन. लाइक अर्थवर्म के अंदर एक छोटे से ऐसे बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बॉडी सेगमेंट्स. और अर्थवर्म की पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंट से बनी हुई होती है. यस दिस सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस. These segments are formed by metamorphosis. ठीक है, so this is body segmentation. Earthworm के अंदर near about 100 to 120 ऐसे छोटे segments होते हैं. This is called body segmentation. Now last one, body support. Actually, body support is done by the skeleton, and there are two types of skeleton. One is endoskeleton, and second one is exoskeleton. अब मैं आपको बताता हूँ. Now I am standing here just because not of only muscle, just because of manly bone, just because of manly skeleton. हमारी body में skeleton है, तभी तो हम basically हमारी body को support मिल रहा है. लेकिन ये सपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन. अब हमारे बॉडी में बोन्स अंदर है और स्किन बाहर है तो इसे हम कहेंगे एंडोस्केलेटन. लेकिन पाइला नाम का एक छोटा एनिमल होता है जो एनिमल अंदर होता है लेकिन उसके बाहर स्केलेटन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. व्हेन अ एनिमल इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी फ्रेमवर्क इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. And when skeleton is present inside the skin, it is called endoskeleton. However, endoskeleton, exoskeleton, both are providing body supports. So these are the six different criteria for classification of animal. ये छह के छह क्राइटेरिया आपको काफी इंपॉर्टेंट होंगे जब मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीएलमेंस, एस्केलमेंस, यस अर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ये सब जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, और उसके साथ हम पाइसेस, फिशेस, एओस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमिलिया, ये सब चीज जब हम पढ़ेंगे
तो वो पढ़ने के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। दिस लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फाइलम पोरीफेरा पढ़ाने वाला हूं डिटेल में। तो आइए चलिए देखते हैं फाइलम पोरीफेरा कैसा है, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन फाइलम पोरीफेरा के बारे में वन बाय वन कैरेक्टर पढ़ाऊंगा। सो लेट स्टार्ट विथ अ फाइलम पोरीफेरा। ओके, सो दिस इज सम एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। लेट स्टार्ट फाइलम पोरीफेरा। सो आई टेल यू वन बाय वन कैरेक्टर एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फर्स्ट, द मेंबर्स ऑफ अ पोरीफेरा मे बी फाउंड सोलिटरी और मे बी कॉलोनियल। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? जो सिंगल घूमते हैं, मतलब सिंगल ही रहना पसंद करते हैं। और कॉलोनियल मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल होता है, मतलब वही होता है उसका। सेकेंड, दे आर मोस्टली मराइन बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो अगर हम देखें तो फाइलम पोरीफेरा में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज़्यादातर मराइन ही होते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ देम सर्वाइव इन मराइन वाटर, मीन्स सॉल्टी वाटर, बट सम ऑफ देम लाइक टू बी इन दी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स वाटर ऑफ अ रिवर, वाटर ऑफ अ स्ट्रीम, वाटर ऑफ अ लेक, वाटर ऑफ अ पोंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, देर बॉडी इज अ वास और सिलेंड्रिकल शेप। इट्स अ कॉमन थिंग, वास शेप और सिलेंड्रिकल शेप बॉडी। नेक्स्ट, दे शोस सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। आई टेल यू वॉट इज दैट। वी नो दैट दिस सेल अंडरगो डिविजन एंड प्रोड्यूस वन मोर सेल। This both cell turn into four cell and four cell turn into eight cell. अगर इन दोनों cell के बीच में connection है और intracellular space नहीं है तो इसमें से क्या बनेगा? Tissue बनेगा, ठीक है, इसमें से tissue बनेगा। लेकिन इनके अंदर body plane कौन सा है? इनके अंदर cellular grid organization plane है, मतलब इनमें क्या होता है, cells form होते हैं लेकिन cell form होने के बाद टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं और ऑर्गन भी फॉर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन सभी सेल्स के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण ये टिश्यू और ऑर्गन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन होती है। नेक्स्ट, दे शोज पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी बाय विच वाटर कम्स आउट एंड वाटर एंटर इन एंड वाटर गो आउट। मतलब इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं और इन होल्स से क्या होता है, पानी बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर्स, होल्स। फेरा का मतलब होता है पूरे बॉडी पे। नेक्स्ट, दे शो स्पॉन्जोसिल एम्प्टी कैविटी। जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था, स्पॉन्जोसिल एम्प्टी कैविटी। इफ एनी एनिमल पजेस ट्रू कैविटी देन इट इज कॉल्ड सिलोम। और ये स्पॉन्ज जैसे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसके लिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील एम्प्टी कैविटी। सील मतलब सिलोम, सिलोम मतलब एम्प्टी कैविटी। तो एम्प्टी कैविटी इनमें है और ये स्पॉन्ज जैसे, इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। नेक्स्ट, दे पजेस स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कोइनोसाइट फॉर द डाइजेशन। जैसे हम टीथ, टंग और बेसिकली स्टमक जैसे ऑर्गन का डाइजेशन में रोल यूज करते हैं, ऐसे इनके अंदर कोइनोसाइट्स नाम के सेल हैं जो डाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको नीट एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैच द पेयर। तो मैच द पेयर में क्या होता है, लाइक कोइनोसाइट, तो सामने ऑप्शन दिया होता है, सेंस ऑफ डाइजेशन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टेस्ट, तो सेंस ऑफ डाइजेशन विल बी करेक्ट आंसर, लाइक दैट। नेक्स्ट, दे पजेस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन, दैट्स कॉल्ड एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय बडिंग। हाउ बडिंग, जैसे मशरूम कैसे डिवाइड होते हैं, मशरूम भी बडिंग में डिवाइड होते हैं। लाइक दिस इज अ पेरेंट मशरूम, इट प्रोड्यूस डॉटर मशरूम, एंड दिस डॉटर मशरूम अंटिल इट बिकम्स अ मैच्योर
When it becomes a mature, it separate from the parent mushroom. जब ये daughter mushroom mature हो जाता है तो parent mushroom से अलग होके खुद अपना separation start करता है. So it will be called budding process. और sexually तो हमें पता है gamete से ही होता है, sperm और egg. ये common है सभी animal में. Next, they shows power of regeneration. Regeneration means अगर कोई animal जिसका कोई body parts either आर्म या तो फुट कट हो जाता है या तो टेल कट हो जाती है तो कुछ दिन के बाद फिर से वो फॉर्म हो जाता है. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द एनिमल एंड दीज आर द आर्म एंड फुट. तो अगर ये वाला हिस्सा कट हो जाता है यहाँ से तो ये कुछ दिनों के बाद फिर से फॉर्म हो जाएगा. इट विल बी कॉल्ड रीजनरेशन. रीजनरेशन मीन्स अगेन जनरेशन. एग्जाम्पल साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जोलिया. यहाँ पे भी देख सकते हो आप एग्जाम्पल्स. So thank you so much for watching this video. Have a good day. Hello friends, welcome back to our YouTube channel. This is Professor Nilesh Anandwani and today I am going to teach you phylum. Yes, Cnidaria. Yes. तो आज हम देखने वाले हैं phylum Cnidaria के बारे में detail में. So let's start with the Cnidaria in detail. I'll tell you some characters regarding Cnidaria and then we will discuss in detail. So let's start with the character number one. The members of Cnidaria may be found solitary or colonial. Solitary means which found always single and colonial means which like to be survive in a group or colony. Next, they may be found in marine or fresh water. Marine water means only salty water, like a sea water. And fresh water means which is a movable water, like a water from the stream, water from the, you can say, river, etc., etc. Then, the body is a radially symmetrical animal. What does it mean? Like a starfish. So, when you cut it into vertical section, or when you cut it into horizontal section, the body will get divided into equal parts. This is called radially symmetrical animal. जब किसी animal को आप vertical या तो horizontal section में cut करते हो, अगर उसकी body equal parts में divide होती है, तब हम उसे कहते हैं radially symmetrical. Next, they have a specialized cells called coenocyte, which is a part of their tentacle, help in the capturing of प्रे. जैसे हम टीथ और टंग का यूज करते हैं फूड को पकड़ने के लिए, तो ये कोइनोसाइट्स नाम के पार्ट्स को यूज करते हैं और ये उनके एक्चुअली टेंटेकल्स के पार्ट्स हैं. टेंटेकल एक्चुअली दे आर आर्म्स ऑफ Cnidaria. दे आर सिंपली कॉल्ड टेंटेकल. दे शोस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डज इट मींस? सेल्स डिवाइड एंड आफ्टर डिवाइड दे फॉर्म्स टिश्यू and tissue later on turn into organ. It is called tissue organization. Next, they shows blind sac body plan, means incomplete digestive system. They have single opening and this single opening working as mouth as well as anus. Just because this single opening involved in taking a food in and removing waste material outside. So, ये एक ही opening है, जिनको दो opening होती है उनको हम कहते हैं complete digestive system और blind sac body plan. Sorry, उनको हम कहते हैं tube within tube body plan. Next, they have empty cavity called so-called cilenteron and help in the digestion and circulation. मैंने आपको जब criteria of animal classification पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें कहा था कि जिसके अंदर cilium होता है वो डाइजेशन और सर्कुलेशन ये दोनों में काम में आता है. तो इनको एम्प्टी कैविटी है और उसका उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है? सिलेंटेरॉन्स. नेक्स्ट, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. तो एक ऐसा माउथ होता है जो काफी सारे टेंटिकल से सराउंडेड होता है. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज लेस डेवलप. एक्चुअली नर्वस सिस्टम आर ऑफ थ्री कैटेगरी: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. इफ आउट ऑफ देम सम सिस्टम्स आर प्रेजेंट बट नॉट वर्किंग देन इट इज कॉल्ड लेस डेवलप. नेक्स्ट,
Asexual reproduction is by budding and sexual reproduction is by gamete. It is common. Budding is generally found in mushroom also. Like this is a mushroom and it produces bud-like organ. This bud-like organ turn, when it becomes a mature, then it gets separate from parent body and start their own growing. It is budding and sexual reproduction is by gametes. Next, corals are used for decoration and jewelry. कुछ बीचेस के ऊपर, समुद्र के बीच के ऊपर, समुद्र के किनारे के ऊपर आप कहो, तो कुछ कोरल्स नाम के ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनमें से कुछ डेकोरेटिव ज्वेलरीज बनाई जाती है. एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम नाइडेरिया, आल्सो नोन एज सिलेंट्रेट्स, इज अ कोरेलियम एस्ट्री जेलीफिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देख सकते हो कुछ फोटोज उनके, जेलीफिश, सी एनिमोन, कोरल्स, hydroids, etc., etc. Thank you. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Professor Nilesh Anandwani and today I'm going to teach you phylum Ctenophora. एक छोटा सा phylum है Ctenophora और इसके मतलब characteristics भी काफी कम है. The members of Ctenophora are exclusively marine. What does it mean by exclusively? Exclusively marine means only found in sea. ठीक है, ये सिर्फ सी में पाए जाएंगे, समुद्र में ही मिलेंगे आपको. Exclusively marine का मतलब. Next, they are radially symmetrical animal. Radially symmetrical animal मतलब मान लो ये starfish. ठीक है, इसके अंदर starfish आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन starfish जैसे आप ऊपर से कट करो या तो ऐसे साइड में से कट करो, आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, तो तभी हम इसे कहते हैं radially symmetrical animal. Next, they are diploblastic animal. Diploblastic animal means the animal which shows only two germ layers. One is considered as ectoderm, whereas second one internal is considered as endoderm. Yes, so ectoderm, endoderm, it's called diploblastic animal. Next, they have a specialized, they have a spherical body and possess cilia on external body. तो ये मान लो एनिमल है और इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिन्हें हम कहेंगे सीलिया. एंड सीलिया इज ऑल्सो फॉर द अटैचमेंट, मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे शोस बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी. अभी बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे हम मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं तो पीछे से लाइट निकलती है, या तो कोई भी नॉर्मल टॉर्च जब हम ऑन करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है. जब लाइट निकलती है तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनेंस. ठीक है, और अगर वैसे ही कोई बायोलॉजिकल मटेरियल में से लाइट निकलती है या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेंस. सो इमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनेंस. नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअली एंड शोस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल एंड फीमेल पुट देयर गैमेट्स इन वाटर एंड विच अंडरगो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल्स आर Ctenophora, Pleurobrachia, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम अ प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी and today I'm going to teach you phylum Platyhelminths. Yes, Platyhelminths को हम generally flatworm के तरह भी पहचानते हैं, मतलब flatworm के नाम से भी पहचानते हैं. So let's start one by one character. मैं आपको Platyhelminths के ये सब character पढ़ाऊंगा. So let's start first. They are commonly known as a flatworm. That's why we called it as a Platyhelminths. Helminths means worm. Study of Helminth is study of worms is called helminthology. Platy means flat. Next, they are bilaterally symmetrical animal, means likewise. Suppose this is an animal and when you cut it into vertical section, you will get equal parts. It is called bilaterally symmetrical animal. मतलब जिस एनिमल को आप वर्टिकली सेक्शन कट करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, अगर उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल. दे शोस ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, मींस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हेन एनिमल हैव ओनली सिंगल ओपनिंग व्हिच कंसीडर एज माउथ एज वेल एज कंसीडर एज एनस, इट इज कॉल्ड
incomplete digestive system, also known as a blind sac body plan. Next, they are endoparasitic. What does it mean by endoparasitic? पैरासाइट मतलब जो इन्फेक्शन कोर्स करता है. अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद इन्फेक्शन कोर्स करता है तो उसे हम कहेंगे एंडोपैरासाइट. और अगर स्किन के ऊपर मतलब बॉडी के बाहर इन्फेक्शन कोर्स करता है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट. सो दिस इज एंडोपैरासाइट. ये जो टीनिया सोलियम है और ये प्लेनेरिया एग्जाम्पल है ना, ये एंडोपैरासाइटिक है. नेक्स्ट, दे आर अनसेगमेंटेड. अनसेगमेंटेड मतलब अर्थवर्म के जैसे नहीं है, ये सेगमेंटेड नहीं है. डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन मीन्स देयर डोर्सल साइड मीन्स बैक साइड, वेंट्रल साइड एज वेल एज फ्रंट साइड, बोथ साइड दे आर फ्लैट. दैट्स व्हाई दे आर प्लेटियल मीन्स नो, एंड कवर्ड बाय अ स्किन कॉल्ड क्यूटिकल विच इज स्लिपरी. नेक्स्ट, दे पजेस सकर और हुक फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट. जैसे हमें कभी ऊपर चढ़ना हो तो हम रस्सी फेंक के ऊपर चढ़ते हैं अटैचमेंट करके, तो ये इनके पास सकर और हुक जैसे ऑर्गन्स है, ये अटैचमेंट करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली एब्सेंट, इफ प्रेजेंट देन इट इज इनकम्प्लीट. ये हमने ऊपर भी देखा, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली एब्सेंट इन द सेंस किसी किसी में स्टमक जैसा ऑर्गन वर्किंग नहीं करता है, तो हम उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली एब्सेंट. नेक्स्ट, एक्सेसिव सेल्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया. जैसे हमारे अंदर किडनी है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, ठीक है, तो वैसे इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया नाम के ऑर्गन है, ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है. नेक्स्ट, दे आर मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट मीन्स बायसेक्सुअल एनिमल. व्हेन एनिमल पजेस बोथ सेक्स ऑर्गन इन सिंगल बॉडी, यस, इट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल एनिमल, हर्मेफ्रोडाइट. नेक्स्ट, दे शोज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. पावर ऑफ रीजनरेशन एंड हाई पावर ऑफ रीजनरेशन हैव डोंट मीन्स डोंट हैव अ मच डिफरेंस, बट जनरल डिफरेंस इज दैट इन हाई पावर ऑफ रीजनरेशन द ऑर्गन रिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस वेरी फास्टली एंड कंपेयर टू द नॉर्मल पावर ऑफ रीजनरेशन. नेक्स्ट, लोकोमोटर स्ट्रक्चर एंड सेंस ऑर्गन्स आर एबसेंट. सो दे डोंट हैव आइदर फुट लेग और नाइदर हैव अ nose and tongue like organ for the purpose of sense. Examples are planaria, tinea, solium. यहाँ पे आप example देख सकते हो. Liver fluke, ये भी basically infection cause करता है. So thank you so much for watching this video. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am a professor Nilesh Anandwani and today I am going to teach you phylum Ascalmens. Yes, they are also called roundworms. So let's start character 1. They are commonly known as a roundworms. Their scientific name is Ascalmens. They are parasitic. Parasitic means which causes some infections. So they are parasitic. मतलब जिनसे infection होता है जैसे malaria वगैरह हुआ तो वो parasitic होते हैं. Next, the body is a long, cylindrical and thread-like. The body is long, cylindrical and थ्रेड लाइक. एज यू कैन सी ये थ्रेड लाइक जैसे हैं, यस, ये वाले, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक. नेक्स्ट, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल एंड सुडोसिलोमेट. बायलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स जिस एनिमल को आप वर्टिकल सेक्शन में कट करते हो और अगर उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं bilateral symmetrical animal. और pseudocelomate मतलब they have cilom but it is useless, do not store blood and do not store food and that's why it is pseudocelomate. मैंने आपको पढ़ाया था pseudocelomate मतलब cilom है, empty cavity है, लेकिन वो blood और food दोनों को store नहीं करती है, तो उसे हम कहते हैं pseudocelomate. और actually cilom का function होता है blood और food दोनों को store करना, लेकिन अगर ये दोनों चीज store नहीं कर रहा है तो फिर काय का cilom, किस चीज के लिए है ये cilom, इसीलिए हम इसे कहते हैं pseudocelom. Next, they shows complete digestive system. Scientific name of complete digestive system is tube within ट्यूब बॉडी प्लेन. इसका मतलब क्या हुआ,
अगर किसी एनिमल के अंदर दो ओपनिंग है, ठीक है, किसी एनिमल के अंदर दो ओपनिंग है, वन इज कंसिडर एज माउथ एंड सेकंड इज कंसिडर एज एनस, सो दे आर कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट, द बॉडी इज कवर्ड बाय टफ क्यूटिकल. अभी ये स्किन का एक टाइप है जिसमें टफ क्यूटिकल होता है. नेक्स्ट, द एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू द कैनल और प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया एंड कैनल्स आर एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑर्गन ऑफ किडनी. तो जैसे किडनी होती है, ये ऐसे रिप्लेसमेंट ऑर्गन होता है. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम हैव अ नर्व रिंग. लाइक वी ह्यूमन बींग हैव अ डायरेक्टली नर्वस कोड, सो सम एनिमल डोंट हैव अ नर्वस कोड. इंस्टेड ऑफ अ नर्वस कोड दे पजेस नर्व रिंग. नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर सेपरेट, मीन्स दे आर नॉट बायसेक्शुअल एनिमल. इनमें कोई भी बायसेक्शुअल एनिमल नहीं है. नेक्स्ट, मेल आर शॉर्टर एंड नैरो एंड फीमेल्स आर लार्जर एंड ब्रॉडर. ये एक्चुअली उनका क्लासिफिकेशन है. एस्केरिस, रैबिडिटिस एंड एंटेरोबियस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वन. यू कैन से रैबिडिटिस, एस्केरिस, ड्रैक्युलस, एंटेरोबियम, ट्राइचुरियम एंड लियोआ लोवा. They all are Ascalmins. So thank you so much for watching this video. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ Professor Nilesh Anandwani और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है Phylum Annelida. Yes, Annelida means annulus means actually ring. मतलब इनको हम क्यों कहते हैं ring worm? क्योंकि ये ring जैसे होते हैं. अर्थवर्म example है इनके. So let's start first criteria. They are commonly known as a ringworm. To whom? Annelida. Next, they are found in a water, moist places and burrows. जब हमने देखा है, basically केचुए मतलब ये जो अर्थवर्म होते हैं, वो अर्थवर्म मिट्टी के अंदर अपना घर बनाते हैं. तो वो मिट्टी moist होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वो, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है अपनी normal routine life के लिए. Next, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट एनिमल. मतलब अगर इनकी बॉडी को अगर आप वर्टिकली सेक्शन में कट कर दो तो इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी, तब हम इनको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल. और सिलोमेट एनिमल मतलब ये अपनी बॉडी में एम्प्टी कैविटी को स्टोर एम्प्टी कैविटी रखते हैं. और ये एम्प्टी कैविटी के अंदर ये क्या स्टोर करते हैं? ये एम्प्टी कैविटी के अंदर ये ब्लड और फूड दोनों को स्टोर करते हैं. That's why they are called coelomate animal. Next, body is soft, elongated, cylindrical and unsegmented. एक मिनट, एक गलती हो गई यहाँ पे. ये देखिए, यहाँ पे आपको ये अर्थवर्म दिख रहे हैं. तो अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है? अर्थवर्म ऐसे होते हैं, ठीक है. अर्थवर्म की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी ऐसी होती है. तो ये अर्थवर्म सेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड नहीं. एक गलती है यहाँ पे, तो आप इस गलती को नजरअंदाज कर दीजिएगा. दिस इज लाइक दैट, दे आर सेगमेंटेड. ओके, नेक्स्ट, दे शोज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स दे हैव टू ओपनिंग. वन इज कंसिडर एज माउथ एंड सेकंड इज कंसिडर एज एनस. माउथ फॉर टेकिंग फूड इन एंड एनस फॉर रिमूविंग वेस्ट आउट. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट क्राइटेरिया, सिक्स कैरेक्टर एक्चुअली. लोकोमोशन इज डन बाय सिटे, पेरापोडिया एंड सकर. जैसे हमारे पास आर्म्स एंड लेग्स हैं, तो इनके पास ये सब ऑर्गन है, सिटे, पेरापोडिया, सकर. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज बाय बॉडी सरफेस. काफी सारे एनिमल है जो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक कॉकरोच, ठीक है, वैसे ही लीच, नेरिस, अर्थों में ये सब ऐसे ही करते हैं. एक्सक्रिएशन इज बाय नेफ्रिडिया. सो इन दिस ऑर्गेनिज्म किडनी एंड प्रोटोनेफ्रिडिया आर रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल नेफ्रिडिया. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज टाइप. व्हाट डज इट मीन बाय क्लोज टाइप? सो व्हेन ब्लड फ्लो, व्हेन ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, इट इज कॉल्ड
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। और जब ब्लड ऐसी एम्प्टी कैविटी में घूमता है तब उसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सो नेक्स्ट, दे आर बाइसेक्सुअल एनिमल, हर्मेफ्रोडाइट, मतलब जिस एनिमल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। नेक्स्ट, लीच कैन सक द ब्लड एंड यूज इन ऑपरेशन फॉर रिमूविंग टॉक्सिन। मैं आपको बताता हूँ, ये लीच हैव एंटीकोगुलेंट हीरुडिन। अब ये दोनों कैरेक्टर एक साथ समझ लीजिए। जस्ट इमेजिन दैट पर्टिकुलर इन अवर पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन टॉक्सिकेटेड ब्लड इज स्टोर्ड। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी जगह है जहां पे, जैसे हाथ पैर है, वहां पे टॉक्सिकेटेड ब्लड जमा हो गया है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लीच एनिमल को उस बॉडी के पार्ट्स के ऊपर लगा देते हैं और लीच एनिमल टॉक्सिकेटेड ब्लड को सक कर लेता है, और तभी हम लीच को हम क्या कहते हैं, लीच को हम कहते हैं सेंग्यूवॉर्स। सेंग्यूवॉर्स मतलब ब्लड सकर, ये हमारे पूरे ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेता है, तब हम उसे कहते हैं लीच, ब्लड सकर, सेंग्यूवॉर। और लीच में से हमें और एक चीज मिलती है, लीच के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है हीरुडिन। अब आप ये सोचिए, हमारी बॉडी में ब्लड कभी रुकता क्यों नहीं, कंटिन्यू फ्लो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं हेपेरिन। लेकिन लीच जो है उनके अंदर भी एक एंटीकोगुलेंट है जिसे हम कहते हैं हीरुडिन, और हीरुडिन के कारण उनका ब्लड कभी रुकता नहीं। एग्जाम्पल है एनिलिडा के नेरिस लीच अर्थवर्म, आप देख सकते हो यहाँ पे नेरिस लीच अर्थवर्म तीनों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रो मतलब जॉइंटेड और पोडा मीन्स लेग, सो इट मीन्स जॉइंटेड लेग्स। So let's start one by one character. Character number one, they are solitary, colonial or free living. अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ? Solitary means जो animal अकेला घूमता है उसे हम कहते हैं solitary, और colonial मतलब जो group में रहता है। Free living in the sense they may be connected to someone else. Next, they are blood sucker and they are omnipresent. ठीक है, ब्लड सकर को मतलब हम कहते हैं सेंग्यूवर्स, जो ब्लड को सक करता है उनको हम कहते हैं सेंग्यूवर्स। सी, ब्लड सकर आर कॉल्ड सेंग्यूवर्स। जैसे लीच होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लीच इसका एग्जांपल है, लेकिन लीच भी ब्लड सकर है। और ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल एंड बॉडी इज कवर्ड बाय एंडोस्केलेटन। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज गलत है, बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय एंडोस्केलेटन, बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। सो जितने भी एग्जाम्पल होते हैं अर्थ्रोम के, उनके अंदर स्केलेटन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन, ठीक है, तो उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी को आप वर्टिकल सेक्शन में कट करो और अगर उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स आते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। और इनके बॉडी के ऊपर स्केलेटन बाहर से होता है, आप देख सकते हो, देखिए बटरफ्लाई, स्पाइडर, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, इन सब के अंदर स्केलेटन बाहर से है, तो इसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट, दे शोस मोल्टिंग और इग्डाइसिस। मोल्टिंग और इग्डाइसिस का मतलब क्या? सांप कैसे अपनी स्किन निकालते हैं 6-6 महीने बाद और नई स्किन रिप्लेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोल्टिंग और इग्डाइसिस। इसके अर्थ्रोपोडा में सांप नहीं आते हैं, लेकिन सांप में आपने ये चीज देखी होगी सुनी होगी, इसके लिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया। सो मोल्टिंग मीन्स हाउ द स्नेक बेसिकली रिमूव द स्किन आफ्टर 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्नेक, यस। तो सेम प्रोसेस इज शोन बाय द अर्थ्रोपोडा आल्सो, सम मेंबर ऑफ अर्थ्रोपोडा।
बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. इफ इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट ऑब्वियसली इट्स अ हेड एब्डोमेन एंड थोरेक्स. नेक्स्ट दे फीड ऑन डेट्रिटस फूड. डेट्रिटस फूड मीन्स डेड फूड मटेरियल. तो पानी के अंदर जमीन के ऊपर या तो कहीं पे जो डेड फूड मटेरियल होते हैं उनको खाते हैं आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. कंप्लीट मीन्स अ सिंगल एनिमल हैव टू ओपनिंग. वन ओपनिंग इज कंसिडर एज माउथ फॉर टेकिंग फूड इन एंड अनदर इज कंसिडर एज एनस फॉर रिमूविंग वेस्ट आउट. इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन. नेक्स्ट माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग टाइप एंड दे शोज ओपन टाइप ऑफ अ सर्कुलेशन. ओपन मीन्स ब्लड फ्लोस इन एम्प्टी कैविटी. जिनके अंदर एम्प्टी कैविटी होती है तो उनकी बॉडी में डायरेक्टली ब्लड एम्प्टी कैविटी में घूमता है, ब्लड वेसल्स में नहीं घूमता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज आइदर बाय गिल्स, आइदर बाय ट्रकिया एंड आइदर बाय लंग्स. तो जो जमीन पे है वो लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे, ट्रकिया से करेंगे, और जो पानी में है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे. नेक्स्ट एक्सक्रिएशन इज बाय माल्फीजियन ट्यूबल्स. यस माल्फीजियन ट्यूबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्पेशली आर्थ्रोपोडा लाइक अ कॉकरोच, स्पाइडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप. वेल डेवलप मीन्स वेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑल आर वर्किंग वेल, इट इज कॉल्ड वेल डेवलप नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स कैन बी एंटीनी, कैन बी आई, कैन बी रिसेप्टर. एंटीनी मतलब आई, आंखों को है ना एंटीना कहते हैं बेसिकली अर्थरोम में. यस तो यहाँ पे आई भी दिया हुआ है, देखिए सॉरी एंटीनी नहीं, वो एक्चुअली वो और एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं ओमेटिडिया. ओमेटिडिया इज आई, तो यहाँ पे आई भी दिया ही हुआ है. रिसेप्टर एंटीनी, एंटीनी मतलब नॉर्मल एंटीना जो कॉकरोच पे अवेलेबल है, ठीक है, काफी सारे ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल है. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मीन्स मस्ट बी टेकिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी. इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट एनिमल्स आर हनी बी, लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट एनिमल है सी फूड के जैसे भी इनको खाया जाता है काफी सारी कंट्रियों में. सो थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइलम मोलस्का and I'm using my graphic tablet to teach you. So हम वन बाय वन कैरेक्टर सभी देखेंगे. लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट. दे आर फ्री लिविंग एंड सिडेंटरी एनिमल. फ्री लिविंग मीन्स दे कैन मूव एनी वेयर बेसिकली एंड सिडेंटरी मीन्स दे आर स्टेबल. सिडेंटरी एनिमल कुछ होते हैं जो एक जगह पर ज़्यादातर मतलब सेटल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, एक जगह पर बैठे रहते हैं. नेक्स्ट दे आर मराइन एंड लिव्स एट बेंथोनिक. वट डज इट मीन बाय बेंथोनिक? बेंथोनिक मीन्स बॉटम ऑफ सी. तो जो समुद्र के एकदम नीचे की सतह पे बैठ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंथोनिक. सो द एनिमल विच बेसिकली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ सी, सच एनिमल्स आर कॉल्ड बेंथोनिक एनिमल. डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंप्लीट मीन्स दे हैव अ टू ओपनिंग. वन ओपनिंग इज कंसिडर एज माउथ एंड अनदर ओपनिंग इज कंसिडर एज एनस. सो दे आर कॉल्ड टू ओपनिंग. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन. नेक्स्ट बकल सॉरी बॉडी इज कवर्ड बाई द एक्सोस्केलेटन. ऊपर का फोर्थ नंबर पॉइंट है बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन. सो इनकी बॉडी को ऊपर से बाहर की स्केलेटन है. नेक्स्ट लोकोमोशन इज बाय आइदर आर्म्स एंड फुट. सो बाकी जो ऑर्गन मतलब एनिमल थे उनके अंदर इतनी मतलब डेवलप ऑर्गन नहीं थे लेकिन इनके अंदर आर्म और फुट क्लियरली अवेलेबल है. नेक्स्ट बकल कैविटी हैव अ रो ऑफ टीथ. वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हैविंग अ 16 रो ऑफ टीथ इन अ वन साइड. नेक्स्ट aquatic एनिमल shows gills एंड terrestrial एनिमल shows lungs. तो ये तो कॉमन चीजें हैं.
जो पानी में रहेंगे वो गिल से ही रेस्पिरेशन करेंगे और जमीन पे रहने वाले लंग से करेंगे. नेक्स्ट, दे पजेस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. मीन्स ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मीन्स ब्लड फ्लोस इन एम्प्टी कैविटी और ऑल्सो नोन एज अ कम ऑन ऑल्सो नोन एज सिलोम. नेक्स्ट, ब्लड इज ब्लू इन कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हीमोसियानिन. एक्चुअली सियानिन इज अ ब्लू एंड हीमो मीन्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. तो जैसे हम कैसे बोलते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन. हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन इज अ रेड कलर. सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. इन दिस हीम इज अ आयरन एंड सियानिन इज अ ब्लू. सो हीमोसियानिन ब्लू कलर आयरन पिगमेंट. तो इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है. नेक्स्ट, एक्सक्रिएशन इज बाय मालफिजियन ट्यूबुल. लाइक इन अवर बॉडी वी हैव अ किडनी, सम एनिमल हैव अ मालफिजियन ट्यूबुल, सम एनिमल हैव अ प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज अ वेल डेवलप. सो व्हेन एनिमल हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्किंग वेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्किंग वेल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इज ऑल्सो वर्किंग वेल. यस, तो अगर जिनके अंदर तीनों नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम करते हैं इनको हम कहते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन लाइक आई, टेंटिकल आर फॉर सेंसेशन एंड ऑस्पिरिडिया फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट. लाइक हमारे अंदर टंग है, इनके अंदर ऑस्पिरिडिया है और आई एंड टेंटिकल आर द कॉमन थिंग. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट. मीन्स दे आर नॉट बायसेक्सुअल एनिमल और दे आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट. नेक्स्ट, एनिमल्स आर विवीपेरस. विवीपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल, जो अंडे देते हैं, सॉरी जो अंडे देते हैं वो ओवीपोरस होते हैं. विवीपेरस मतलब बर्थ गिविंग एनिमल. सो दे आर बर्थ गिविंग एनिमल. एक्चुअली ये तीन कैटेगरी आती है, ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल, विवीपेरस मीन्स डायरेक्टली बर्थ गिविंग एनिमल लाइक वी ह्यूमन बींग्स एंड मार्सुपियल्स. मार्सुपियल्स मतलब जैसे कांगारू होते हैं. यस, तो कांगारू क्या करते हैं, बर्थ देने के बाद अपने बच्चों को अपने पेट में पाउच में स्टोर करते हैं 5 साल तक, जब तक वो मैच्योर, उनकी मेंटल एबिलिटी मैच्योर नहीं हो जाती. इनको हम कहते हैं मार्सुपियल्स. सो एग्जाम्पल्स आर स्नेल, यूनियोपाइला, काइटोन. यू कैन सी देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम अ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को इकाइनोडर्मेटा पढ़ाने वाला हूँ, फाइलम इकाइनोडर्मेटा. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स अ फाइलम नंबर 9 फ्रॉम मेजर फाइला. इकाइनोडर्मेटा. इकाइनो मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन. सो इकाइनोडर्मेटा मीन्स spine on the skin. So see the first criteria, they have a spines on the skin, so they are called echinodermata. Second, they are marine animal, solitary and sedentary. Marine means जो सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते हैं उनको हम कहते हैं marine. और solitary means जो single होते हैं और sedentary means जो एक ही जगह पर stable होते हैं, they are called sedentary. Next, they are radially pentameric symmetrical. Radial symmetrical तो है plus पेंटामेरिक सिमेट्री भी है इनके अंदर. सॉरी ये पेंटामेरिक नहीं हुआ. जैसे स्टारफिश कैसे होता है, सॉरी ये ग्राफिक टैबलेट में यूज कर रहा हूं ना, तो इसके कारण मैं पहली बार ग्राफिक टैबलेट चला रहा हूं इसके लिए. सो दिस इज लाइक अ स्टारफिश. यस, सो जैसे आप ऊपर से कट करो या तो नीचे से कट करो, वर्टिकल कट करो या हॉरिजॉन्टल कट करो, इसके इक्वल पार्ट्स होंगे और इक्वल पार्ट्स होंगे तभी हम इसे कहते हैं रेडियली पेंटामेरिक सिमेट्रिकल. नेक्स्ट, दे आर स्फेरिकल, इलोंगेटेड एंड स्टार शेप. आप समझ ही गए होंगे डायग्राम देख के. नेक्स्ट, दे पजेस वाटर वास्कुलर सिस्टम. नाउ वी ह्यूमन बींग हैव अ ब्लड वास्कुलर सिस्टम. मीन्स न्यूट्रेंट इज फ्लो इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाया ब्लड. तो किसी किसी में बॉडी के न्यूट्रेंट वाटर सिस्टम के थ्रू फ्लो होते हैं, तो इनको हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट, दे आर कार्निवोर्स. मीन्स दे ईट
नॉनवेज फूड मटेरियल एंड मेनली फीड ऑन मॉलिस्कंस। तो हमने जो मॉलिस्का देखा हुआ है, ठीक है, मॉलिस्का फाइलम, तो मॉलिस्का फाइलम में यूनियोकाइटोन ये जो थे, इन सबको ये खाते हैं इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट दे मूव्स विद द हेल्प ऑफ आर्म एंड फुट, विच इज अ कॉमन फीचर। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज बाय मीन्स ऑफ गिल्स एंड पेपिला, सो इट डिपेंड वेदर दे आर फाउंड इन वॉटर और वेयर एक्चुअली। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ रिड्यूस बट ओपन टाइप, ओपन मीन्स जिसके अंदर ब्लड का फ्लो एम्प्टी कैविटी में होता है, इसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जिसे हम सीलोम भी कहते हैं। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम इज अ वेल डेवलप्ड, सो दोज हु हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इफ ऑल आर वर्किंग वेल देन इट इज कॉल्ड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट, एक्चुअली यहाँ पे सम टाइम नहीं है बट सम आर बाइसेक्सुअल, मतलब इकाइनोडर्मेटा में जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से कुछ बाइसेक्सुअल हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मैंने आपको पहले भी बताया लाइक दिस इज फीमेल एंड दिस वन इज मेल, सो मेल पुट देयर गैमेट एंड फीमेल ऑल्सो पुट देयर गैमेट एंड विच फर्टिलाइज आउटसाइड, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में हमारे में इंटरनल होती है जैसे। नेक्स्ट दे शोज पावर ऑफ रीजनरेशन, सो रीजनरेशन मीन्स इफ अ बॉडी पार्ट इज कट इट कैन रीफॉर्म आफ्टर सम डे, सो इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एग्जाम्पल ब्रिटल स्टार, सी उर्चिन, सी कुकुम्बर, यू कैन सी सम एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। Today I'm going to teach you phylum Hemichordata, and Hemichordata have a very specific feature that it is a link between non-chordate and chordate, that's why it is called Hemichordata. Non-chordate actually वो होते हैं जिनके अंदर vertebral column नहीं होती है, और chordate वो होते हैं जिनके अंदर vertebral column होती है, लेकिन ये वाले हैं hemi, hemi मतलब half, chordata मतलब rod, तो इनके अंदर हाफ ही वर्टेबल कॉलम होती है, इसको इसके लिए मैं से कहते हैं लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कैरेक्टर। दे आर कॉमनली नोन एज एकोन वर्म्स, लाइक अ प्लेटीहेल मींस फ्लैट वर्म एक्सेट्रा। सेम वे दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड सॉलिटरी एनिमल, एक्सक्लूसिवली मराइन मीन्स दे आर ओनली फाउंड इन सी वॉटर एंड सॉलिटरी मीन्स दे आर बेसिकली सिंगल। नेक्स्ट बॉडीज आर सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, लाइक फर्स्ट पार्ट इज प्रोबोसिस, सेकंड इज कॉलर एंड थर्ड वन इज ट्रंक। जैसे हमारे अंदर हेड, थोरेक्स और एब्डोमन होते हैं, ठीक है, इनके अंदर है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट दे फीड ऑन माइक्रोब्स इन वाटर, तो पानी के अंदर छोटे मोटे कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको ये खाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट प्रोबोसिस हेल्प देम इन मिक्सिंग द मेकिंग अ बरोस, तो ये जो जैसे सांप के या तो अर्थवर्म के जैसे घर होते हैं मिट्टी के, यस, तो वैसे ही मिट्टी के घरों में ये भी रहते हैं, और इनका ये जो प्रोबोसिस पार्ट है वो घर बनाने में काम में आता है। इवन तो अर्थवर्म के जो आगे का हिस्सा होता है वो भी प्रोबोसिस ही होता है। दे शोज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स दे हैव अ टू ओपनिंग, वन इज कंसिडर एज अ माउथ विच इन विच वी पुट द फूड एंड एनस फ्रॉम विच वी रिमूव द वेस्ट मटेरियल, सो दे हैव अ complete digestive system which is also called tube within tube body plane, ठीक है, जिनके अंदर दो ट्यूब होती है माउथ एंड एनस, इनको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज बाय मीन्स ऑफ गिल्स, तो ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं तो गिल्स से करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज टाइप, मीन्स ब्लड बेसिकली ब्लड फ्लो इन ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट ब्लड इज कलरलेस, सो जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है जिसके कारण ब्लड को रेड कलर मिलता है, तो इनके अंदर कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं, इसके लिए उनका ब्लड पूरा का पूरा कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट बट सम आर
बाइसेक्सुअल, ये थोड़ा गलत है सेंटेंस. सेक्सेस आर सेपरेट बट सम सॉरी बट समटाइम दे आर बाइसेक्सुअल, तो समटाइम की जगह पर है सम आर बाइसेक्सुअल. ओके, सो इनमें से कुछ एनिमल बाइसेक्सुअल है, कुछ यूनिसेक्सुअल है. फर्टिलाइजेशन इज अ एक्सटर्नल, लाइक दिस इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल. मेल प्रोड्यूस देयर स्पर्म आउटसाइड, फीमेल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओवम आउटसाइड, विच अंडर गो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हम कहते हैं. नेक्स्ट, द फाइलम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोर्डेड एंड नॉन कोर्डेड. मैंने पहले ही कहा एग्जाम्पल इज बेलोनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस. मेरे पास डायग्राम एक ही अवेलेबल, बेलोनोग्लोसस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा. यस, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया. सो यू नो सुपर क्लास टेट्रापोडा मींस एक्चुअली टेट्रा स्टैंड फॉर 4 वेयर एज पोडा स्टैंड फॉर लेग्स. ठीक है, तो मतलब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ फोर लेग्स एनिमल, मतलब वैसे एनिमल जिनके चार पैर होते हैं वो वाले एनिमल. सो इसके अंदर एक्चुअली चार क्लासेस इंक्लूड है. फर्स्ट क्लास इज एम्फीबिया. एम्फीबिया मीन्स विच कैन फाउंड ऑन द ग्राउंड एज वेल एज इन द वॉटर, जो पानी और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं. रेप्टिलिया मीन्स क्राउलिंग एनिमल, जो एनिमल बेसिकली क्राउलिंग फॉर्म में चलते हैं, सरपटनारे जो सरपटने वाले जो एनिमल होते हैं जिससे सांप होते हैं वो रेप्टिलिया में आते हैं. एओज मीन्स बर्ड, सभी पक्षी बेसिकली एओज की कैटेगरी में आते हैं. मेमेलिया मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो स्तनधारी एनिमल होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूध प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं मेमेलिया. तो आइए चलिए देखते हैं क्लास नंबर 1 एम्फीबिया. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद एम्फीबिया. सो एम्फीबिया मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन फाउंड इन वॉटर एज वेल एज ऑन ग्राउंड ऑन लैंड, देयर फॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबिया. सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन कैरेक्टर. फर्स्ट, दे आर कार्निवोरस पोइकिलोथर्मिक एनिमल. वॉट डज इट मीन बाय कार्निवोरस? दोज एनिमल विच ईट नॉन वेज फूड मटेरियल दे आर कॉल्ड कार्निवोरस. मतलब जो घास फूस वनस्पति कम खाते हैं, पेड़ पौधे कम खाते हैं और एनिमल ज्यादा खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस. और पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका खून गर्म सॉरी ठंडा होता है, उनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक. गर्म खून वाले को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं. सेकंड, देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड ट्रंक एंड टेल. ऑलमोस्ट बॉडी के यही तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन किसी किसी में टेल की जगह पर हम एब्डोमन यूज करते हैं. थर्ड, इन अ फ्रॉग वेव्स आर प्रेजेंट बिटवीन डिजिट विच हेल्प देम टू स्विम. अब आप ये सेंटेंस समझना तो देखिए, ये फ्रॉग है तो फ्रॉग के जो ये उंगलियां होती हैं फिंगर्स, तो फिंगर्स के बीच में बतवार जैसा, जैसे नाव में किसी चप्पू से हम चलाते हैं वैसे ही यहाँ पे वेब जैसा होता है और ये पानी को पीछे धकेलने में मदद करता है. इन द फ्रॉग वेब्स आर प्रेजेंट बिटवीन डिजिट विच हेल्प देम टू स्विम. स्टेटमेंट नंबर 4 और कैरेक्टर 4, स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर विथ म्यूकस ग्लैंड. एज यू कैन सी इन द फ्रॉग, स्किन पूरी मॉइस्ट होती है, मतलब पानी पानी होता है ऊपर, और ये काफी स्लिपरी होती है. अगर हम फ्रॉग को पकड़ने जाए तो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है, और इनके स्किन में काफी ग्लैंड्स भी होती है जैसे म्यूकस ग्लैंड है. नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट. दे आर द एनिमल इन विच इंटरनली बोन्स आर प्रेजेंट बट एक्सटर्नल देयर इज नथिंग. तो एक्सोस्केलेटन नहीं है, अंदर एंडोस्केलेटन है. नेक्स्ट, ईयर ड्रम विच इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन अ लेटरल साइड ऑफ हेड. मतलब इनके इनके ईयर के अंदर, ईयर के एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर. तो इनके जो मिडल ईयर होते हैं, मिडल ईयर में एक पार्ट होता है जैसे हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या तो उसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम. तो ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज अ मिडल पार्ट ऑफ अ ईयर ऑफ अ दिस एनिमल. स्पेशली फ्रॉग में डिस्कवरी हुई थी इसकी,
statement number 7, intestine and digestive glands are well developed, and you can say that they have a complete digestive system. Complete digestive system means they have a two opening. One opening is considered as a mouth, and a second opening is considered as anus. So they have a tube within tube body plane, means complete digestive system. Next, circulatory system is a closed type. Closed type means their blood flows in blood vessels, and that's why it is circulatory system is closed type. Okay, then heart is a three chambered. एक याद रखिए, जब भी heart तीन chamber वाला होता है तो situation कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, like that. This is auricle, this one is auricle and this one is a ventricle. Next, RBCs are nucleated in frog. Remember, इस category में amphibia में जितने भी animal है उसमें से सिर्फ frog में ही RBC न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब ये आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस. एक्चुअली आरबीसी सिर्फ तीन ही एनिमल में न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक होते हैं फ्रॉग जो कि एम्फीबिया कैटेगरी में आते हैं, और दूसरे होते हैं ऑस्ट्रिच जो बेसिकली एओस कैटेगरी में आते हैं, और तीसरे होते हैं कैमल जो मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज बाय स्किन एंड लंग्स. सो लाइक जब ये पानी में होंगे तब स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, और जब ये जमीन पे होते हैं तब ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं. जैसे हम फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन देखते हैं, तो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम बेसिकली फ्रॉग रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो क्यूटेनियस होती है. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, मींस देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑल आर वर्किंग वेल, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट एंड दे आर ओविपोरस, मीन्स दे आर एग लेइंग एनिमल. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, लाइक सपोज मेल एंड फीमेल, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट आउटसाइड, मेल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट आउटसाइड, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली. यस, एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग, सेलमेंडर एंड एम्फ्यूमा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सम एम्फीबिया क्लास. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम देखने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया फ्रॉम द किंगडम एनिमेलिया चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग माय ग्राफिक टैबलेट्स. सो लेट्स स्टार्ट रेप्टिलिया. रेप्टिलिया मतलब क्राउलिंग एनिमल, ठीक है, जैसे स्नेक हुए. तो पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये सब क्राउलिंग एनिमल है. स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस एंड टर्टल. यस, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कैरेक्टर. कैरेक्टर वन, दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट. व्हाट डज इट मीन बाय फर्स्ट ट्रू टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट? ये दुनिया के पहले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली टेरिस्ट्रियल मतलब ग्राउंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बने. नेक्स्ट, दे मे बी अक्वाटिक और नॉन अक्वाटिक. अब आप इसमें से देख सकते हो कि कुछ अक्वाटिक हैं, कुछ अक्वाटिक नहीं भी हैं, ठीक है. जैसे कुछ सांप ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जमीन पे ही रहते हैं. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवोर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवोर्स? मोस्ट ऑफ देम कार्निवोर्स मतलब मैक्सिमम रेप्टिलिया ग्रुप में, रेप्टिलिया क्लास के अंदर मैक्सिमम एनिमल कार्निवोर्स है, नॉन वेज खाने वाले. लेकिन कुछ है जो घास फूस भी खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे घास, वेजिटेरियन फूड मटेरियल. जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे टॉर्टोइज ऐसे होते हैं जो बेसिकली वेजिटेबल ही खाते हैं, वो नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं. नेक्स्ट, लोकोमोशन ओकर्स बाय लिम्स, बाय क्लोज एंड बाय
डिजिट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोकोडाइल में बेसिकली डिजिट्स भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं इनके अंदर, और लिम्स भी काफी सारे एनिमल पजेस करते हैं, जैसे लिम्स आर पजेस बाय द क्रोकोडाइल ऑल्सो, टोटोइज ऑल्सो, टर्टल ऑल्सो। नेक्स्ट, दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल। पोइकिलोथर्मिक एनिमल मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड दे आर कवर्ड बाई द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द रेप्टिलिया। आप देख सकते हो सबके अंदर एक्सोस्केलेटन होते हैं। यस, यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन है, यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन है, यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज टाइप। मीन्स सिंपल लॉजिक इज दैट ब्लड, यू कैन से ब्लड फ्लोस इन ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। तो ये एकदम सिंपल है, वन इज ओरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल। नेक्स्ट, यहां पे देखें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। तो क्रोकोडाइल और टोर्टोइस की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल टोर्टोइस के अंदर हार्ट फोर चैम्बर है, और बाकी जितने भी रेप्टिलिया हैं उन सब में दो चैम्बर है, ओरिकल ओरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ओनली इन टोर्टोइस एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट, दिस शोज रेस्पिरेशन बाय लंग्स। तो इनमें से सभी के सभी एनिमल ऑलमोस्ट जमीन पे ही रहने वाले हैं, कुछ इनमें से पानी में भी रहते हैं, तो मैक्सिमम इनमें रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, ब्रेन इज ए वेल डेवलप्ड, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वर्किंग वेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग वेल, एज वेल एज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग वेल, सो देयरफॉर ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जैसे हम ह्यूमन बींग में होता है फर्टिलाइजेशन, इनमें भी ऐसा ही होता है, एंड दे आर ओविपेरस। यस, ये मतलब एग देने वाले हैं, लेकिन कुछ इनमें हैं जो बेसिकली बर्थ भी देते हैं, जैसे वाइपर स्नेक इज विविपेरस विच गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू द ओन चाइल्ड, बर्थ टू द चाइल्ड वाइपर स्नेक। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी, ओनर एंड लेक्चरर ऑफ आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास एओस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। एओस का मतलब होता है बर्ड्स, और मैं अपनी ग्राफिक टैबलेट की मदद से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट कैरेक्टर वन बाय वन। दे शोज सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग। ऑब्वियस बात है, बर्ड्स हैज टू बी फ्लाई एंड टू फ्लाई देयर बॉडी दे हैज टू रिड्यूस द बॉडी वेट। तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मैं आपको कुछ चेंजेस पहले ही बता देता हूँ बर्ड्स क्या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्ड्स रिड्यूसेस देयर बॉडी वेट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ओवरी। यस, एंड सेकेंडली, बर्ड्स हैव अ हॉलो बोन्स and these hollow bones basically store the water, so they becomes very it help them to basically fly in the air. So ye kuch changes hai jiske karan birds fly kar sakte hain. Aur plus, bird ke jo four wings hote hain, koi birds ke hind wings, to specially ek wings jo hote hain wo birds ke matlab jo unke four arms hote hain wo arms ko wings mein convert kar lete hain, मतलब पंखों में कन्वर्ट कर लेते हो, पंख की मदद से ये इजीली उड़ सकते हैं हवा में। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको कैरेक्टर बताया वो आ रहा है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब इन्होंने आगे के जो इनके पैर हैं या तो हाथ हैं, इन्होंने उनको विंग्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग, एंड हाइंड लिम्स आर यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ वॉकिंग और रनिंग। रनिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए हाइंड विंग्स का यूज करते हैं, लेकिन जो आगे वाले पैर हैं इनके वो उन्होंने बेसिकली फ्लाई करने के लिए यूज किया हुआ है। हम ह्यूमन बींग आगे वाले को हम कहते हैं हाथ, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। एवरी एनिमल डोंट हैव अ यू कैन से आर्म्स लाइक अ नेम। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ अ बर्ड हैव अ हेड, नेक,
एंड ट्रंक. एक्चुअली दे ऑल्सो पजेस बीक, बट बीक इज अ पार्ट ऑफ अ हेड. नेक्स्ट, दीज आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल, मीन्स होमोथर्म्स, लाइक वी ह्यूमन बींग्स, वी आर होमोथर्म्स. नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ अ फीदर. करेक्ट, एक्सोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ फीदर, एंड फीदर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर बॉडी एज अ एक्सटर्नल कवरिंग. सो इनको एंडोस्केलेटन मतलब बोन है, लेकिन एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो फीदर से बना हुआ है. स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर एंड जोज आर मॉडिफाइड इन टू पीक. तो इनको जो आगे का मुंह है वहां पे जो जोज होते हैं वो बीक में मॉडिफाइड हुए हैं, और स्किन नॉन ग्लैंडुलर है. याद रखिए जैसे हमने देखा था फ्रॉग में, सो फ्रॉग स्किन इज वेरी स्लिपरी एंड इट वॉज अ ग्लैंडुलर. बट बर्ड्स आप कोई भी बर्ड्स देखो, ठीक है, कोई भी आप बर्ड्स देखो, ऑलमोस्ट बाहर से वो फीदर से ढके हुए हैं, इसके लिए उनकी ग्लैंड में, उनके स्किन में ग्लैंड्स नहीं होते हैं. अंदर ग्लैंड्स होते हैं लेकिन स्किन में नहीं होते. नेक्स्ट, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और स्पेशली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी. नेक्स्ट, आरबीसी इज अ बायकॉनकेव एंड न्यूक्लिएटेड. अब इन्होंने कहा कि आरबीसी इज अ बायकॉनकेव, ठीक है, न्यूक्लिएटेड, लेकिन सभी बर्ड्स के अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है. ठीक है, एक बर्ड्स होते हैं ऑस्ट्रिच नाम के, और ऑस्ट्रिच नाम के जो बर्ड्स होते हैं उनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन सभी बर्ड्स के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये आप ये चीज ध्यान रखिए. हार्ट इज अ फोर्थ चेंबर एंड शोज डबल सर्कुलेशन. नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? सी, हियर वी गोस, हार्ट इज फोर चेंबर, करेक्ट, दिस इज ओरिकल, दिस वन इज ओरिकल, दिस वन इज वेंट्रिकल, दिस वन इज वेंट्रिकल. सो आई विल टेल यू, जनरली फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्योर ब्लड कम्स इन टू राइट लेफ्ट ओरिकल एंड देन गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन गो टू द सिस्टेमिक एओर्टा, एंड फ्रॉम द राइट साइड impure blood comes and then go to the left right ventricle and then it go back to the lungs. So likewise it may see double circulation hoti hai. Next, respiration takes place by the lungs. Kyunki ye inme zyada tar pani mein nahi hote hain, aur pani mein bhi hote hain to unka jo part hota hai wo bahar ki taraf hota hai. So respiration generally takes place via lungs. Important cheeze yaad rakhiye aap. Then brain is well developed. जनरली देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑल आर वर्किंग वेल एंड देयरफॉर नर्वस सिस्टम इज अ वेल डेवलप. सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ये कॉमन चीज है, सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जैसे हम में होती है. नेक्स्ट, दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज. ये तो सभी बर्ड्स की एक खासियत है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता. ठीक है, जैसे हम लोग कोई ज्यादा अमीर है तो कोई बड़ा बंगला बनाएगा, कोई गरीब है तो अपनी झोपड़ी बनाएगा, मिडिल क्लास है छोटा घर बनाएगा, लेकिन सभी के सभी पक्षी एक ही जैसा समान बेसिकली नेस्ट बनाते हैं. ये दुनिया की एक अच्छी खूबी है, देर इज अ सिमिलरिटी इन एवरी बर्ड्स. नेक्स्ट, दे आर मोस्टली हार्बीवर्स बट सम आर कार्निवर्स. तो इनमें कुछ ऐसे एनिमल है जैसे ईगल हुए, ये कार्निवर्स हैं, मैक्सिमम बर्ड्स इनमें हार्बीवर्स होते हैं. नेक्स्ट, दे शोस सीजोनियल माइग्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द बर्ड्स. जैसे आपने सुना होगा बर्ड्स फ्रॉम द गुजरात माइग्रेट टू राजस्थान, बर्ड्स फ्रॉम राजस्थान माइग्रेट टू गुजरात एज पर द सीजोनियल माइग्रेशन. जैसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट में जो बदलाव होते हैं, ठंडियों की सीजन में बर्ड्स गर्म जगह पे जाते हैं और गर्मियों की सीजन में बर्ड्स ठंडी जगह पे जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट होती है इन्हें हम कहते हैं सीजोनियल माइग्रेशन. नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट एंड द फीमेल शोज प्रेजेंस ऑफ ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट टू रिड्यूस बॉडी वेट फॉर फ्लाइंग. तो ये भी देखिए, हमने पहले सेंटेंस में देखा था, दे शो सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी फॉर फ्लाइंग. तो फ्लाइंग में ये तीन चीज आ गई. सी, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें बता देता हूं फॉर फ्लाइंग. फॉर फ्लाइंग
birds are doing some changes. Birds are doing some changes. अब ये changes कौन कौन से हुए हैं ये देखिए. Yes, first four limbs modified, मतलब convert हो गए modified to wings. तो उनके जो आगे के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आप जो भी consider करो, वो wings में वो किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में कन्वर्ट हो गए. सेकंड, ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इज प्रेजेंट. यस. और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दे हैव होलो बोन्स. करेक्ट. तो ये वाली जो सब चीजें हैं इन्हें हम कहेंगे बर्ड्स हैव चेंजेस देयर बॉडी पार्ट्स, बॉडी शेप, बॉडी एनवायरमेंट और बॉडी बिहेवियर फॉर द पर्पस ऑफ फ्लाइंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दीज आर सम स्नैप्स ऑफ बर्ड्स. हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम अ प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी, ओनर एंड लेक्चरर ऑफ आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस फ्रॉम नंदुरबार महाराष्ट्र. सो लेट्स बिगिन विथ अ टॉपिक क्लास मेमेलिया फ्रॉम द किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 4. सो आई एक्सप्लेन यू कैरेक्टर वन बाय वन विथ माय ग्राफिक टेबलेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस and these are omnipresent, present everywhere. ठीक है. तो इनके अंदर memory glands होती है. memory gland को हम क्या कहते हैं? memory glands are also known as a breast. ठीक है. and for the purpose of producing milk to give a nourishment to the baby. आप यहाँ पे देख सकते हो second statement की मतलब ये sentence क्या दिया? they are present everywhere, ना omnipresent. तो everywhere में देखिए. So as you can see, this is a whale found in water. Correct. And some type of a birds are also there, but they are actually not birds. Now as you can see, these are bats. तो आपको लगता होगा कि bats तो उड़ सकते हैं, तो ये तो birds हुए. नहीं, लेकिन bats है ना mammal में आते. क्यों? क्योंकि ये milk produce करते हैं. Now kangaroo. Kangaroo generally found in the Australia. They are also basically the mammal because they are giving milk. Okay, so आप देख सकते हो काफी अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं. मंकी, मंकी basically found on the branches of tree. So ये सब अलग अलग प्रकार के एनिमल है, लेकिन फिर भी ये सब mammalia because all are milk producing animal. Next, they are terrestrial. मतलब जमीन पे भी रहते हैं. दे मे बी एक्वाटिक लाइक अ व्हेल फिश एंड मे बी एरियल लाइक अ हवा में उड़ने वाले लाइक बैट्स एंड मे बी अर्बोरियल लाइक अ मंकी. यस. नेक्स्ट, हम ह्यूमन बींग भी उसमें ही आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. मोस्ट ऑफ देम्स आर हर्बीवर्स. ज्यादातर इसमें से बेसिकली वेजिटेबल्स खाते हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर कार्निवर्स एंड सम आर ओमनिवर्स ऑल्सो. कार्निवर्स मीन्स ईट नॉन वेज फूड मटेरियल. Herbivores means which eat vegetarian food material. Omnivores means which can eat both veg as well as non-veg. तो herbivores मतलब जो सिर्फ vegetable खाते हैं, carnivores जो non-veg खाते हैं, और omnivores जो दोनों खा सकते हैं. Next, limbs are useful for the purpose of locomotion. जैसे हम use करते हैं, it can be useful for walking, climbing, swimming, etc. Fifth number character, exoskeleton is made up of hair, fur and nails. ये सब हम में है. We have a hairs, we have a actually nails, but not a fur actually. But fur is held by so many animal like a camel, like a horse, donkey, etc. Body is differentiated into head, neck and trunk. ये तीनों है हमारी body में. Trunk को हम generally हम head के बाद thorax और abdomen ज़्यादा use करते हैं ये words. Next. These are homotherms and skin is glandular. Correct. We are homotherms actually.
मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल एंड स्किन इज ग्लैंडुलर, है ना, हमारे स्किन में ग्लैंड, वी हैव अ यस वी हैव सेबेशियस ग्लैंड, वी हैव स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट, दे शोज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्नी और प्लूरली कॉल्ड पिन्ना. हमारे जो कान होते हैं बाहर से उसे हम कहते हैं पिन्नी और पिन्ना. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स. तो सभी के सभी बेसिकली जमीन पे ही होते हैं. एक्चुअली इसमें वेल फिश भी आती है, तो हम वेल फिश में गिल स्लिट्स के थ्रू यूज करेंगे रेस्पिरेशन. लेकिन फिश में दो तीन कैटेगरी आती है मैमिलिया में, इसके लिए ये मेन सेंटेंस लंग्स रखा हुआ है बिकॉज 1.2 मिलियन है नियर अबाउट एनिमल्स. नेक्स्ट, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड. ब्रेन इज वेल डेवलप्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल आर वर्किंग वेल, दैट्स व्हाई ब्रेन इज वेल डेवलप्ड. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ये हमारे जैसे ही है, ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर हम में मैच होता है, सभी एनिमल में मैच होता है, सभी एनिमल में नहीं सॉरी सभी मैमल्स में मैच होता है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ मैमल के बारे में सोच रहे हैं, फिर मैमल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. स्टेटमेंट नंबर 12, रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लेटेड एक्सेप्ट कैमल. मैंने आपको पहले ही कहा, सो कैमल्स आर दोस ऑर्गेनिज्म विच हैव न्यूक्लेटेड आरबीसी. आरबीसीज आर देयर एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ आरबीसी. नेक्स्ट, ब्लड इज रेड इन कलर एंड हार्ट हैज फोर चैम्बर विथ टू ओरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स. और हमारे अंदर भी डबल सर्कुलेशन होती है, यस, ओरिकल ओरिकल एंड वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल. नेक्स्ट, फ्यू मैमल्स आर ओविपोरस, जैसे ये डक है एग लेइंग, ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर मैमल्स आर प्लासेंटल, मतलब बर्थ गिविंग, जैसे हम ह्यूमन बींग है. वाइल सम आर मार्सुपियल्स लाइक अ कांगारू. कांगारू एक ऐसा एनिमल है जो बर्थ देने के बाद अपने बेबी को अपने एक्सटर्नल स्टमक में रख सकते, एक्सटर्नल पाउच में रख सकते हैं, एक्सटर्नल यूटेरस में रख सकते हैं. तो ऐसे कहते हैं कि कांगारू हैव अ एक्सटर्नल, यू कैन से यूटेरस, मतलब ये प्रेगनेंसी के बाद अपने बेबी को यूटेरस में नियर अबाउट 4 to 5 years तक रख सकते हैं, और वो बेबी से यूटेरस बाहर भी खेल सकता है बाहर. सो दे आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. एग लेइंग एनिमल ओविपोरस, बर्थ गिविंग एनिमल विवीपेरस एंड मार्सुपियल बर्थ गिव आफ्टर गिविंग बर्थ दे कैन स्टोर देयर बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ह्यूमन बींग, बैट, कैमल, वेल, मंकी एक्सेट्रा, रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप काफी सारे एनिमल देख सकते हो यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. मैं हूँ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी. तो आज हम जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले, वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया. सो मैं आज आपको 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में. सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 50. लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1, कोइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2013 के एग्जाम में. सो कोइनोसाइट्स आर एक्चुअली दी वन डाइजेस्टिव ऑर्गेनल और वन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द पोरीफेरा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अ वाटर इन और एग्जिटिंग द वाटर आउटसाइड, पानी को अंदर लेने में और पानी को बाहर छोड़ने में. ये पोरीफेरा मतलब एक कोइनोसाइट्स का काम होता है जो पोरीफेरा के अंदर बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, मतलब पोरीफेरा के अंदर ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस. तो स्पॉन्जेस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये तो उनके अंदर होती है. प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, सो ओस्टिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन,
This is also present actually, and body supported by chitin. So this is actually the answer, because body is not supported by chitin in sponges. तो डी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें नॉट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड. फ्रेश वॉटर स्पॉन्जेस फॉर्म इंटरनल फॉर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड. तो फ्रेश वॉटर में ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जिनके थ्रू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं? सो प्लेनुला, बर्ड्स, ब्रांचेस. जेम्यूल इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. आई टेल यू जेम्यूल क्या होता है. ठीक है, सी जनरली आप कंसिडर कीजिए ये वाले स्पॉन्ज हैं, और स्पॉन्ज सेलिनिटी में ग्रो होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे. लेकिन सॉल्ट की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो स्पॉन्ज अपने आप को छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं आर्चियोसाइट्स. ठीक है, और ये सब आर्चियोसाइट्स जब पास में आ जाते हैं तब एक ऑर्गन बनता है जिस ऑर्गन को हम कहते हैं जेम्यूल. ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डी, जेम्यूल. क्वेश्चन नंबर फोर. एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन टीनिया, एक्चुअली इट्स अ टीनिया सोलियम. सो एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अ टीनिया सोलियम इज फ्लेम सेल. ये हमने डिस्कस भी किया हुआ था. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज ए, फ्लेम सेल. क्वेश्चन नंबर फाइव. इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजली ऑकर्स बाय, नीट 2013 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजली ऑकर्स बाय, इट इज ड्यू टू ईटिंग इम्परफेक्टली कुक फूड, कुक पोर्क, नो. टीसी फ्लाई, नो. मॉस्किटो बाइट, नो. ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, करेक्ट. एस्केरियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच जनरली कॉजेस दिस काइंड ऑफ अ डिजीजेस. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इज डी. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन सिक्स की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो अभी हमें सेलेक्ट करना है बायलेटरल सिमेट्रिकल प्लस वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए. सो नाइडेरिया आर नॉट बायलेटरल सिमेट्रिकल. ये जो एस्केलमिन्स होते हैं राउंड वर्म, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. So answer of question number 6 is B, Eskel means roundworm. Question number 7. Which one of the following exhibit concentric tube with within tube plan? So tube plan is one type of a, you can say, body plan criteria for the purpose of, you can say, animal classification. So iska answer ho jayega एनिलीडा. सो एनिलीडा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स आर मैक्सिमम इन. सो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्मेफ्रोडाइट्स आर एक्चुअली बायसेक्सुअल एनिमल. यस, एंड हमें ये पूछा गया कि इन चारों नीचे दिए हुए फाइलम में से सबसे ज्यादा हर्मेफ्रोडाइट किस में पाए जाते हैं. ठीक है, so answer of question number 8 is annelida, like earthworm is a hermaphrodite. Question number 9. What is the similarity between housefly mosquitoes and cockroaches? Manipal University ne pucha gaya 2012 ka answer question hai. So all have a 13 chamber heart? No, sirf cockroach mein 13 chamber heart hota hai. All have a four pair of legs? No. Cockroaches are called hexapoda subclass because they have a six leg and three pair actually. See, all have a closed circulatory system? No. Cockroach mein to open circulation hoti hai. D. All belongs to class insecta? Yes, because all can fly, so they are insecta. Answer is D. Question number 10. Which of the following is a crustacean? Crustacean,
इनमें से कौन से क्रस्टूशियन होते हैं? तो प्रोन क्रस्टूशियंस कैटेगरी में आते हैं, स्नेल, सी एनिमोन, हाइड्रा नहीं आते हैं। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ रहा है और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मुझे इस प्रकार से ही आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर आप प्लीज हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इन अर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग एनिमल, इन अर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज टू फॉर्म सिफिलोथोरेक्स, बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज बॉडीज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो मतलब हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन तीनों के तीनों प्रॉपरली डिवाइडेड है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का इंसेक्टा। सो इंसेक्टा विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ कॉमन अमंग द सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी? दे हैव अ कंपाउंड आई? नो। पॉइजनस ग्लैंड? ऑब्वियसली नो। स्कॉर्पियन को मे भी पॉइजनस ग्लैंड हो सकती है, लेकिन हनी बी में पॉइजनस ग्लैंड नहीं होते हैं। एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस नो। यस एक्चुअली इन सब में, यस आंसर इज सी, इन सब के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस है। सी गाइस, आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, मुझे इन सब के आंसर पता होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैं स्टूडेंट हूं और मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं क्या सोच रहा हूं माइंड में, आप क्या सोच रहे हो, मैं वैसे आपको परफॉर्म करके बता रहा हूं, ठीक है, तब आपकी भी थिंकिंग थोड़ी एनलार्ज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पर्ल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल ऑफ फाइलम। सो हिमाचल प्रदेश बेसिकली मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। सो आंसर ऑफ 13 नंबर क्वेश्चन इज, पर्ल्स इज जनरली फाउंड इन द मोलुस्का, बिकॉज मोलुस्का ये एनिमल जो है जो ज्यादातर समुद्र के पास में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, बेंथोनिक एनिमल होते हैं, मतलब नीचे तलघर पे चिपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीलिया ऑफ गिल्स ऑफ बायवॉल्व मोलुस्का हेल्प इन, सो बेसिकली दे हेल्प इन एक्सक्रिएशन? नो। फीडिंग? यस दे हेल्प इन फीडिंग। प्रोटेक्शन? नो। रेस्पिरेशन? नो। सो सीलिया बेसिकली of a bivalve mollusca help in feeding. Question number 15, the members of which of the following phyla are exclusively marine? हमें पूछा गया है exclusively marine, मतलब सिर्फ पानी, समुद्र पानी में मिलने वाले। So arthropoda is obviously not a marine animal. Echinodermata is the correct actually, and annelida like earthworm obviously no, mollusca मॉल्यूस का है, लेकिन एक्सक्लूसिवली मरीन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा इकोनोडर्मेटा। आंसर ऑफ 15 नंबर क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो ये हम देख चुके हैं हमारे लेक्चर में। सो वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन सी एनिमोन? नो। सी पैन? नो। सी कुकुम्बर? यस सी कुकुम्बर इज द करेक्ट आंसर। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज जैसे हमारे अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम होती है, न्यूट्रन ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर के द्वारा न्यूट्रन पहुंचाया जाता है, उनको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम के तौर से पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा? नॉट पूछा गया, तो हमें फर्स्ट डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तो होता ही है डोर्सल। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, हमारे हार्ट वेंट्रल साइड है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द अडल्ट, सिर्फ अडल्ट नहीं, प्रेजेंस ऑफ किडनी ये भी होते हैं। सो आंसर इज सी, बिकॉज इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट इट इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन हेमिकॉर्डेटा इज,
So in case of hemichordata, blood vascular system is open kind. Hemichordata का एक example ये देखिए, balanoglossus is an example of hemichordata, which shows open type of circulation, means blood flows in empty cavity, in coelom. Question number 9, connecting link between echinodermata and chordates. तो ये देखिए, total जो phylum है वो कितने phylum है, total phylum 30 है. तो उसमें से हमने क्या discuss किया हुआ, 20 are minor phylum and how much are major phylum, 10 are major phylum. So हमने कितने discuss किए हुए, ये 10. उसमें था पोरीफेरा से लेके लास्ट था हेमिकोर्डेटा. और हेमिकोर्डेटा के बाद क्या स्टार्ट होता है, हेमिकोर्डेटा के बाद कोर्डेट स्टार्ट होते हैं. तो ये देखिए कोर्डेट्स और बेसिकली पोरीफेरा. और नाइन्थ नंबर आता है यस इकाइनोडर्मेटा. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, इन दोनों को कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है हेमिकोर्डेटा. सो हेमिकोर्डेटा का यहाँ पे एग्जांपल क्या है, तो ये देखिए बेलोनोग्लोसस. यस, ये ऊपर ही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, बेलोनोग्लोसस हेमिकोर्डेटा. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज सी. क्वेश्चन नंबर 20, ऑल कोर्डेट्स एट वन और द अदर स्टेज हैव, ठीक है, मतलब जितने भी कोर्डेट्स हैं उन सब के अंदर एक स्टेज में या तो सभी स्टेज में इनमें से कौन सी चीज कॉमन होती है, मतलब होती है कंपलसरी. सो जनरली फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर कंपलसरी. यस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. फिर वो ह्यूमन और एनिमल हो तो उसके अंदर गिल स्लिट्स की जगह पर कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली यस लंग्स. वर्टेब्रल कॉलम, इस वर्टेब्रल कॉलम इज कॉमन. एक्चुअली वर्टेब्रल कॉलम एंड टू पेयर्स ऑफ pentadactyl limbs and movable fins. So A is the correct answer. Question number 21. Jacobson organ, which are additional olfactory organ are present in. So actually Jacobson organs are present in this neck. ये general knowledge का भी question है. Jacobson organ. ये olfactory organ के जैसे, मतलब smell consume करने में काम में आता है. सांपों को बेसिकली सुनाई नहीं देता है, तो वो अपने सेंसरी ऑर्गन के मदद से ही बेसिकली सेंस करते हैं एनिमी को या तो कोई ऑब्जेक्ट को. क्वेश्चन नंबर 22, मैमल है ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैमल जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है वो किस में से बेसिकली इमर्ज हुए हैं. तो अगर हम 22 नंबर ये देखें तो बेसिकली इवोल्यूशन के थियोरी के अनुसार मैमल रेप्टिलिया में से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. सो आई टेल यू, ऑस्ट्रिच इज एक्चुअली बर्ड, अफ्रीकन बर्ड. इमू इज ऑल्सो द बर्ड एंड कीवी इज ऑल्सो बर्ड. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑल दीज आर यस, क्या है ये सभी के सभी फ्लाइटलेस बर्ड्स है. इनमें से कोई भी बर्ड्स उड़ नहीं सकता है. इनका एक सिंपल सा एक रीजन है, ये सभी के सभी बर्ड्स है ना काफी हैवी है, वेट काफी ज्यादा होता है इनका, इसके लिए ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 24, मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरियोटेलिक एनिमल लाइक रैबिट एंड अदर मैमल इज. सो अगर यूरियोटेलिक एनिमल है तो ऑब्वियसली उनके अंदर वेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, यूरिया ही होगा ना. सो यूरियोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिया को वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर फेंकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल ऑफ क्लास एज वेल एज क्लास मैमल. तो क्लास मैमल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप पहले गेस कीजिए, लायन बिलोंग्स टू मैमल करेक्ट, बैट बिलोंग्स टू मैमल
bat belongs to mammal, but ostrich doesn't belongs to mammal. It is eos. Here, lion belongs to mammal. Hippopotamus does not belongs to mammal. Penguin. Here actually bat belongs to mammal, लेकिन बाकी नहीं है. तो यहाँ पे ये देखिए 25 में whale is mammal, bat is mammal, kangaroo is mammal, hippopotamus, हाँ ये भी एक mammal ही आते हैं. तो यहाँ पे देखिए mammal है, penguin नहीं. तो C आंसर हो जाएगा सर 25 नंबर का. क्वेश्चन नंबर 26, पेंगुइन ऑकर्स इन. सो जनरली पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं? सो पेंगुइन हमें पता है, पूरी दुनिया को सबको पता है, पेंगुइन एंटार्क्टिका रीजन में कोल्ड जगहों पे पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, दोस एनिमल हैव टू जर्म लेयर्स, दे आर सिंपली कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, आंसर इज ए. 28, विच वन कैरेक्टर ऑकर इन इकाइनोडर्मेटा, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है? सो इकाइनोडर्मेटा है बायलेटरल सिमेट्री, नो. इकाइनोडर्मेटा है रेडियल सिमेट्री, यस. तो इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री मतलब ये जैसे स्टारफिश कैसे होते हैं, तो इनको आप वर्टिकली कट करो या तो हॉरिजॉन्टली कट करो, आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. सो दैट विल बी बायलेटरल नहीं, दैट विल बी रेडियल सिमेट्री. क्वेश्चन नंबर 29, साउंड बॉक्स ऑफ अ बर्ड्स इज, तो ये देखिए हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर होता है लैरिंग्स, मीन्स ह्यूमन के अंदर, लेकिन बर्ड्स में जो साउंड बॉक्स होता है ना वो होता है सिरिंक्स. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज बी. क्वेश्चन नंबर 30, बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया इज, एक्चुअली इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस जो फ्रॉग है वो है राणा टाइगरीना. सो राणा टाइगरीना इसका आंसर है 30 नंबर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 31, बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन, तो बडिंग जनरली किस में पाया जाता है? बडिंग इज नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ हाइड्रा. तो लेकिन हाइड्रा भी है उसके साथ, हाइड्रा तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे स्टार फिश है, यहाँ पे हाइड्रा है. तो ए बी सी तीनों में हो सकता है, लेकिन बडिंग स्पॉन्जेस में भी पाया जाता है. सो आंसर विल बी बी, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस ऑफ 31 नंबर क्वेश्चन. 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं. अमंग द फॉलोइंग विच एनिमल शोस असिमेट्रिकल सिमेट्री, असिमेट्रिकल सिमेट्री मतलब आप वर्टिकली कट करो या तो हॉरिजॉन्टली कट करो, इक्वल पार्ट्स में कटिंग होगी नहीं. तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, स्पॉन्जेस कोई भी कभी भी इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होगी, आप कितना भी कोशिश करो. तो स्पॉन्जेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 33, अमंग द फॉलोइंग विच एनिमल शोज रेडियल सिमेट्रिकल सिमेट्री, तो रेडियस, रेडियल के लिए तो सबसे फेमस है स्टारफिश. आप स्टारफिश को कैसे भी कट करो, आप या इनको वर्टिकली कट करो या तो हॉरिजॉन्टली कट करो, आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे इसके. क्वेश्चन नंबर 34, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कॉजेटिव एजेंट विथ देयर कॉजिंग डिसीज, तो कौन सी डिसीज कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है हमें ये बताना है. ठीक है, तो ये सबसे पहला इजी दिखाई दिया है हमें, एनोफिलस मॉस्किटो इज कॉजेस मलेरिया. एक्चुअली मलेरिया इज कॉज ड्यू टू, मलेरिया एनोफिलस मॉस्किटो से नहीं होता है, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम हैव अ फोर स्पीसीज, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम यू कैन से वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम, ऐसे चार स्पीसीज हैं. तो इन सभी स्पीसीज को स्प्रेड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. तो लिशमानिया स्लीपिंग सिकनेस, नो. फिर ग्लोसीना काला आजार, ऑल ऑफ दिस नहीं, यही सही करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम. पॉइंट आउट नॉन पैरासाइट, ठीक है, नॉन पैरासाइट देखना है हमें. तो इनमें से नॉन पैरासाइट आई थिंक कौन है,
टैपवर्म ये भी पैरासाइट इन्फेक्शन कोज करता है। लीच ये ब्लड सकर होता है, ब्लड सकर होता है, मॉस्किटो तो होते ही। यस सी एनिमो जो है वो पैरासाइट नहीं। आपने एक चीज सुनी होगी शायद, कमेंसेलिज्म। क्या होता है कॉमेंसेलिज्म? कॉमेंसेलिज्म मतलब जब जब पैरासाइट होस्ट को ना तो बेनिफिटेड होता है, ना तो मतलब ना तो होस्ट को पैरासाइट से फायदा होता है, ना तो नुकसान होता है, तो उस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कॉमेंसेलिज्म। और कॉमेंसेलिज्म में सी एनिमोन पैरासाइट है, लेकिन ये हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठता है, लेकिन हर्मिट क्रैब को उससे फायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है। तो सी एनिमोन क्या हो गया? सी एनिमोन हो गया नॉन पैरासाइट, मतलब इन्फेक्शन कोज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 36, बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज। सो हमने ये देखा है कि बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज सीलोम। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37, बॉडी सेगमेंटेशन इज शोन बाय। तो बॉडी सेगमेंटेशन कौन बताता है? मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें भी एग्जांपल हमने लिया था अर्थवर्म। एनिलिडा जनरली बॉडी सेगमेंटेशन दिखाते हैं। यस नाइडोसाइट्स आर हेल्प इन। सो नाइडोसाइट्स आर जनरली हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे। सो कैप्चरिंग प्रे ये उनका काम होता है नाइडोसाइट्स का। नाइडेरियन में पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स नाइडेरियन। क्वेश्चन नंबर 39, अमंग द फॉलोइंग विच फाइलम आल्सो कॉल्ड एज ए रिंग वॉर्म। सो बेसिकली प्लेटीएलमिंट्स तो होते हैं फ्लैट वॉर्म, ठीक है। रिंग वॉर्म कैसे कहते हैं? अर्थवॉर्म रिंग वॉर्म आते हैं। सो एनिलिडा आर रिंग वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40, लीच इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो लीच किसका एग्जाम्पल है? लीच भी एनिलिडा कैटेगरी में आते हैं। लीच को हम क्या कहते हैं जनरली? लीच आर ब्लड सकर, और ब्लड सकर को साइंटिफिकली कहते हैं, ब्लड सकर को साइंटिफिकली कहते हैं सेंग्यू वॉर्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरल सिमेट्रिकल एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब हमें देखना है बायलेटरल भी होना चाहिए और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये तो हो गए शायद, शायद तो नहीं चलेगा, एस्केलमेंट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्टारफिश बिलोंग टू फाइलम। तो स्टारफिश कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सो जैसे मैंने आपको कहा, स्टारफिश के पूरे बॉडी के ऊपर क्या दिखते हैं हमें? यस कांटे दिखते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे कांटे दिखते हैं। तो इट विल बी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो स्पाइन, डर्मेटा स्किन, इकाइनोडर्मेटा स्पाइन ऑन द स्किन। सो 42 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 43, एनिमल आर हैविंग हाफ रोड। सो हाफ रोड, हाफ मीन्स हेमी एंड रोड मतलब कोर्डेटा। सो क्या हो गया? हेमी कोर्डेटा। सो हेमी कोर्डेटा विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थ्रोपोड शोज। सो अर्थ्रोपोड में क्या होता है? अर्थ्रोपोड, देखिए अर्थ्रोपोड में एक चीज तो कॉमन है, डाइजेस्टिव सॉरी जॉइंटेड लेग्स। और अर्थ्रोम में डाइजेस्टिव सिस्टम भी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। और अर्थ्रोम का अगर एक एग्जांपल देखें हम, कॉकरोच, तो कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन होती है। सो आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45, स्नेल यूनियोपाइला काइटोन बिलोंग्स टू। तो जैसे ही ये पूरे एग्जाम्पल आते हैं हमारे सामने, तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्लास जो है, मतलब ये जो फाइलम जो है वो है मोलस्क का फाइलम। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, अमंग द फॉलोइंग विच एनिमल इज मार्सुपियल। मतलब जो बर्थ देने के बाद अपने बेबी को 4 से 5 साल तक अपने एक्सटर्नल यूटेरस में ग्रो कर सकता है, वो होता है मार्सुपियल। तो ये होते हैं कांगारू। ऊपर वाले ने काफी एक बेहतरीन चीज इनके अंदर ये प्रोवाइड की हुई है,
कांगारू के अंदर। ऑस्ट्रेलियन नेशनल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 47, लॉबस्टर, प्रोन एंड क्रैब बिलोंग्स टू, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब अर्थ्रोपोडा में आते हैं ना, तो दे ऑल आर अर्थ्रोपोडा। इकोनॉमिकली काफी वैल्यू है इनकी, बिकॉज सी फूड के जैसे खाए जाते हैं ये सब। सुपर क्लास टेट्रापोडा पजेस, सो सुपर क्लास टेट्रापोडा पजेस फोर लेग एनिमल, यस। इनमें कुछ लिम्बलेस भी हैं, जैसे स्नेक, ठीक है। स्नेक के जितने भी पैर होते हैं चारों, वो स्किन में कन्वर्ट हो गए। टू पेयर ऑफ लिम्स, टू पेयर ऑफ लिम्स मीन्स फोर लेग एनिमल, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट बिलोंग टू टेट्रापोडा, नॉट बिलोंग टू, हाँ, एवज आर टेट्रापोडा, एम्फीबियंस आर टेट्रापोडा, मैमिलिया आर टेट्रापोडा, पाइसेस ये एक अलग सुपर क्लास है, मैंने आपको ये कहा था, देखिए सुपर क्लास में दो कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी आती है, यस, एक कैटेगरी आती है पाइसेस और एक आती है टेट्रापोडा। फिर टेट्रापोडा के अंदर क्लास एम्फीबिया, एयोस, फिर ये रेप्टिलिया और मैमल, करेक्ट, तो पाइसेस आते हैं यहाँ, आंसर हो गया डी, पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूक्लिएटेड आरबीसी आर फाउंड इन विच आर बिलोंग टू, सॉरी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी फाउंड इन एनिमल्स विच आर बिलोंग्स टू, तो न्यूक्लिएटेड आरबी एम्फीबिया में भी पाए जाते हैं, मैमल में भी, एयोस में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबाउट। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, एम्फीबिया में कौन आते हैं? फ्रॉग, ठीक है, मैमल्स में कौन आते हैं? कैमल, और एयोस में ऑस्ट्रिच। तो ये दुनिया के तीन ऐसे इकलौते एनिमल हैं जिनके आरबीसी के अंदर, जिनके आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस मिलता है हमें। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज डी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।